गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रिंस कुमार गुप्ता, डायट सारनाथ वाराणसी से। आप सभी ऑनलाइन व्यूअर्स जो अभी हमसे जुड़ गए हैं या हमसे जुड़ने वाले हैं, उन सभी को समस्त डायट वाराणसी की ओर से शारदीय नवरात्रि की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा डायट सारनाथ वाराणसी 6 दिवसीय शिक्षा नीति पे वेबिनार करा रहा है, और इस वेबिनार का जो हमारे संयोजक हैं वो हमारे प्रचार सर मिस्टर उमेश कुमार शुक्ल जी हैं। और इस वेबिनार का जो मुख्य उद्देश्य उनका ये है कि इस शिक्षा नीति के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो ये नई शिक्षा नीति जो हमारे लिए लाई गई है 35 साल बाद, उसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे जो नए शिक्षा नीति को किस प्रकार की चेंजेस हुए हैं और उन चेंजेस को हम कैसे लागू करें अपने स्कूल्स में या अपने कॉलेजेस में, वो हमें इसके बारे में हमें जानकारी देनी है। और इसी चरण में आज व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ARP अखिलेश कुमार गुप्त जी। तो अखिलेश कुमार गुप्त जी, आपका समस्त डायट परिवार की ओर से आपका स्वागत है। और मैं आप सभी का टाइम ना लेते हुए अखिलेश कुमार ग्रुप से मैं निवेदन करूंगा कि वो आज का जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करें। सर 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 धन्यवाद जी, आपको सबसे बहुत धन्यवाद। आपने प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया और मैं आदरणीय प्राचार्य सर को प्रणाम करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं कि सर ने इस को आयोजित किया और सर ने इस मंशा से बात को रखा कि हम सभी शिक्षक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और साथ ही साथ जो उस पर क्रियान्वयन की बात है उस पर हम अपने कदम आगे बढ़ाएं। तो किसी भी योजना के तहत आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ये हमें करना चाहिए। जैसा आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1906 में आई थी और देश में लागू हुई, उसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव किए। उसके बाद जब राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 आई और उसमें भी बहुत से सुझाव स्कूली शिक्षा के लिए और उच्च शिक्षा के लिए दिए गए, वहां भी बहुत से बदलाव आए और उसके तहत हम लोगों ने जो भी कार्य किया शिक्षक के रूप में वो सब कुछ वर्तमान में शैक्षिक क्रियाकलापों में और विद्यालय में परिलक्षित हो रहे हैं। किंतु यह जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा आई है, जो नई राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है, ये वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए और भारत को एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में जो कदम हम सब उठा रहे हैं उसके लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हमारे कक्षाओं में होनी चाहिए, मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है और एक बहुत बड़े बदलाव की बात उच्च शिक्षा में भी किया गया है। तो उनको लेकर के जो पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया भारत सरकार के द्वारा और जो जिसे पारित भी कर दिया गया है और हम सबसे अपेक्षा की जा रही है सारे शिक्षकों से और अधिकारी गण से कि इसको विद्यालयों में लागू किया जाए। तो लागू करने से पहले एक ये समझना बहुत आवश्यक है कि वास्तव में हम किन किन बदलावों की बात कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से और वो कैसे विद्यालयों में लागू होंगी। तो चलिए आज सत्र में हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो हमारे अधिकारीगण हैं, जो पूरे लोग तंत्र में लगे हुए हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं पूरे भारत के बच्चों से, शिक्षा से, हमारे सभी जो लोग प्रबंधन में लगे हुए हैं उनसे क्या अपेक्षाएं हैं। तो उन सारी बातों को साथ साथ करने के लिए मैं एक एक करके आगे बढ़ूंगा और मैं प्रिंस जी से अनुरोध करूंगा कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें हमारी मदद करें और हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो सर से अनुरोध है कि पहला स्लाइड जो है सर शो करें। प्रिंस जी, यस सर, आपकी स्क्रीन पे सर मैंने पावर पॉइंट शेयर कर लिया है, बस वो आ रहा है सर। यस सर, आगे सर। हेलो, हाँ हाँ, अभी अभी मुझे दिख नहीं रहा, ठीक मुझे दिखा। तो ये जो शिक्षा नीति है इसके तहत ही आगे चलेंगे। हाँ, मैं देख रहा हूँ, आप अगली स्लाइड पर आ जाएं सर। हाँ धन्यवाद
सर देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू करने की बातचीत की जा रही है, तो जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि जो जो पूर्व में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा थी उसमें मार्गदर्शी सिद्धांत 5 दिए गए थे। जैसे कि पहला था कि हम कक्षा कक्ष से बच्चों की गतिविधियों को जोड़ें, उनको रटन प्रणाली से बाहर लें, और फिर कहा जा रहा था कि लचीला बनाए, रटने की प्रवृत्ति से बाहर आ जाएं, ऐसी समझ और बुनियादी आप कह सकते हैं कि बच्चों के भविष्य की बात की जा रही थी, जहां पर कि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखें, कुछ इस तरीके से 5 मार्गदर्शी सिद्धांत वहां बताए गए थे। ठीक इसी प्रकार से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कई मार्गदर्शी सिद्धांतों को बताया गया है और उस पर अमल करने की भी बात की जा रही है। जैसे एक एक करके हम चलते हैं, सबसे जो पहला मार्गदर्शी सिद्धांत यहाँ बताया जा रहा है वो सभी ज्ञान की एकता को लेकर के बातचीत की जा रही है। जो अलग अलग विषयों की हमें ये बात यहाँ की जा रही है कि जो बच्चों को अलग अलग विषयों का ज्ञान दिया जाता है या वो अर्जित करते हैं, उनको इंटीग्रेट करने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो पाए, इस पर मुख्य रूप से बल देना है। हमारी जो पाठचर्या हो, हमारे जो सीखने सिखाने की क्रियाकलाप हो, वो इस प्रकार से हो कि हम सारी सभी प्रकार के ज्ञान को इंटीग्रेट कर पाए, एक दूसरे से सहसंबंध स्थापित कर पाए। और जो पूर्व की राष्ट्रीय शिक्षा जो हमारी ये थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज थी, उसमें भी बात ये की जा रही थी कि विषयों की दीवारों को नीचा किया जाए, तो वहां पर भी विषयों की दीवारों को नीचा करने की बात की जा रही थी, एक दूसरे से सहसंबंध स्थापित करने की बात की जा रही थी, किंतु यहाँ जो बात की जा रही है उसको इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। और एक दूसरा जो मार्गदर्शी सिद्धांत यहाँ शामिल किया गया है वो अवधारणात्मक समझ पर जोर देने की बात करें। मुख्य रूप से आप देखें कि जब हम विषय का शिक्षण करते हैं बच्चों के साथ, तो बहुत सी चीजों को जैसा किताब में लिखा होता है हूबहू उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में कहीं ना कहीं हम चीजों को रटा भी देते हैं या हम ऐसा भी कह देते हैं कि ऐसा ही होता है। उदाहरण स्वरूप मैं यदि कहूँ कि 0.2 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, तो आप जब हम शिक्षक के रूप में बच्चों के साथ हम प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो हम कहते हैं 0.4 होता है। तो एक तरफ बच्चा ये सोचने को विवश होता है कि 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये तो उससे कम हो रहा है, लेकिन 0.2 का वर्गमूल 0.4 कैसे हो जाता है, वो उससे ज्यादा कैसे हो जाता है। तो वो अगर शिक्षक से इस बात को पूछता है तो ये अपेक्षा रखता है कि उसकी जो अवधारणा है कि वास्तव में वर्गमूल का आशय क्या है और उसमें पूर्ण संख्या और इकाई संख्या के बीच का क्या संबंध होता है और कैसे उस अवधारणा को स्पष्ट कर दिया जाए कि 0.2 का वर्गमूल 0.4 होता है और कैसे होता है। तो जब एक शिक्षक के रूप में हम उसको उस अवधारणा को स्पष्ट नहीं कर पाते तो फिर हम कहते हैं ये प्रोसेस ऐसा है, ये प्रोसीजर ऐसा है, हमने भी ऐसा ही पढ़ा है, आप भी ऐसे ही पढ़ लीजिए कि 0.2 की बात की संख्याओं का हम पेयर करेंगे और हम फिर देखेंगे किस संख्या से पूरी तरीके से और वो 4-4 या 16 करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जो बात की जा रही है ऐसा नहीं है, जब चाहे कोई भी विषय हो, अगर हम हिंदी को लेके बात कर रहे हैं, हम वर्णों की आकृतियों पर बातचीत कर रहे हैं और संधि पर बात कर रहे हैं, समास पे बात कर रहे हैं, तो उसके एक नियम है, उस नियम के तहत उसकी जो उसके पीछे जो अवधारणा है, चाहे विज्ञान की बात हो, तो उसकी समझ शिक्षक बच्चों के साथ साझा करें, उस पर जोर देने की बात की जा रही है, उस प्रकार की पाठचर्या और पाठ्यक्रम विकसित करने की बातचीत की जा रही है। तीसरा मार्गदर्शी सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है रचनात्मकता और तार्किक सोच पर जोर देने की बात की जा रही है। देखिए ये बात रचनात्मकता की भी जो है वो मैं भाषा को ही लेकर बात कर रहा हूँ। जैसे कि हम ज्यादातर करते क्या है, कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड पर बहुत कुछ लिख देते हैं और बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो उसको उतार लें अपनी कॉपी में या पाठ्यपुस्तक में जो कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ लें और उसके आधार पे प्रश्नों के उत्तर वो दे दें और हम समझते हैं कि बच्चों की जो समझ है वो विकसित हो रही है। ऐसा नहीं है, यह भाषा का जो विकास है वो तब तक संभव नहीं है जब तक बच्चे स्वयं अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने शब्दों में न दे पाए। तो इस पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है कि वो रचनात्मक लेखन और रचनात्मक अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है और उस पर हमको कार्य करने की आवश्यकता है। यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, यह इस पर विशेष रूप से बल दे रही है और साथ ही साथ वो कह रही है तार्किक सोच, लॉजिक और रीजनिंग पर बहुत ज्यादा बल देने की बात की जा रही है कि होता है ऐसा या हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ये हमें सोचना पड़ेगा और उसको लॉजिकली प्रूव करना पड़ेगा। जब हम लॉजिकली किसी चीज को सोचते हैं तो हमारी जो अवधारणात्मक समझ होती है वो और बेहतर होती जाती है। चौथा जो मार्गदर्शी सिद्धांत है यहाँ पर, उसमें नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य की बात की जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको इसलिए शामिल करने की बात की जा रही है कि जो हमारी विशेषज्ञ हैं वो उन्होंने समाज में चीजों को होता हुआ देखा है, उस परिवर्तन को देख रहे हैं और वो भारत की स्थिति को विश्व पटल पर भी देख रहे हैं और उनका ऐसा मानना है। हम सब भी मानते हैं कि हमने जो पहले का समाज देखा है और पिछले दशकों से जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं समाज में, नैतिकता का बहुत तेजी से ह्रास हो रहा है, मानवीय मूल्य लगातार नष्ट होते जा रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों को हमने मानना छोड़ दिया है। और यदि ऐसा आगे भी होता रहा और शिक्षक के रूप में शिक्षा नीतियों के तहत हम इन मुद्दों पर अगर हमने उनको संबोधित नहीं किया, क्लासरूम में नहीं ले गए, बच्चों से बातचीत नहीं किया, तो भारत का आने वाला समाज, जो भविष्य का समाज होगा भारत का, जो इन बच्चों के माध्यम से बनने जा रहा है, वो बहुत ही विकृत रूप में चला जाएगा। तो हम सभी शिक्षकों की एक बहुत महती जिम्मेदारी है कि अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से जो सुझाव हमको दिए जा रहे हैं, जिसमें कि ये बात की जा रही है कि नैतिकता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास और संवैधानिक मूल्यों का विकास कक्षा कक्ष में अवश्य किया जाए, जिससे कि बच्चे विषय ज्ञान के साथ साथ अपने इन जो उनकी जो क्षमताएं हैं जिनके आधार पर वास्तविक रूप से उनका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसका उदाहरण हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमने बहुत अच्छा विषय ज्ञान तो रखा है, लेकिन जब मुझे किसी स्थिति में निर्णय लेना होता है कि मैं किस प्रकार से न्याय करूं, या अगर किसी की मुझे मदद करनी हो तो मैं करूं या ना करूं, उस स्थिति में फिर मैं यदि लोभ के चक्कर में या अपने ये कह सकते हैं कि स्वार्थ के चक्कर में जब मैं निर्णय लेता हूं, तो मेरी जो पूरी समझ है, मेरा जो पूरा शैक्षिक योग्यता है, वो शून्य हो जाती है अगले व्यक्ति के सामने। यदि मैं जो मानवीय मूल्य है जो 84 NCERT के द्वारा संदर्भित किए गए हैं, जिसमें कि समाज सेवा है, देश प्रेम है, त्याग है, एक सामान्य अच्छाई है, दूसरों की सहायता है, ऐसे मानवीय मूल्य यदि हमारे अंदर नहीं है तो ये मानना है कि हमारी सारी शैक्षिक योग्यता का कोई मूल्य नहीं है हमारे भावी जीवन के लिए। विषय ज्ञान लेना एक बात होती है और समाज में अपना योगदान देना, मैं किसी भी पद पर हूँ, अगर मैं एक अपने समाज का एक अगर मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ, अब मैं उन बच्चों से भी यह अपेक्षा करता हूँ कि यदि वो भविष्य में समाज के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, तो जब जिम्मेदार शब्द आएगा, आदर्श की बात जब हम करेंगे, तो वहां पर विषय ज्ञान शायद बहुत कम महत्व रखता है, वहां पर नैतिकता, मानवीय मूल्य और संवैधानिक मूल्य बहुत महती इंपॉर्टेंस रखती है, और इसी के आधार पर हम किसी भी क्षेत्र में सफल होते हैं या असफल होते हैं। तो इन ये जो सिद्धांत यहाँ पर शामिल किए गए हैं मूलभूत रूप से, ये एक बहुत अच्छा प्रयास करेंगे बच्चों की आगे की शिक्षा के लिए। अगले स्लाइड पर चलते हैं सर। यहाँ पर बहुभाषिकता की बात की गई है। पूर्व में भी देखे कोठारी आयोग के जो कोठारी सर का जो रिकमेंडेशन था, वहां भी उन्होंने कहा था ट्राई लैंग्वेज फार्मूला की बात की थी, तीन भाषा का ज्ञान हम सारे बच्चों को दें या हम सबको भी होना चाहिए। जैसे कि एक उन्होंने जो अपने संस्कृति में कहा था कि उसको जो अपनी मातृभाषा है या स्थानीय भाषा है उसका ज्ञान हर बच्चे को होना चाहिए, क्योंकि यदि मातृभाषा में वो संवाद नहीं कर पा रहा है या उसमें उसको हेय लग रहा है, वो उसमें अपने आप को कमजोर पा रहा है, तो वो भाषा धीरे धीरे समाप्ति की ओर चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हर बच्चे को उसकी मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए, स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा था हिंदी, हिंदी को उन्होंने कहा था कि चूंकि हमारे भारत की वो राजकाज की भाषा है, राजभाषा है, हमारे संविधान में उसको मान्यता दी गई है, तो वो हिंदी, और सबसे ज्यादा अधिक से अधिक भारत में रहने वाले लोग हिंदी में बोलते हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये राजकाज की भाषा, इसको हर सारे बच्चों को इसको जानना चाहिए इसमें, और इस भाषा का में ही उनको अपना जो एक अच्छी समझ है वो विकसित करना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा था कि जो गणित अंग्रेजी है, अंग्रेजी भाषा तो पूरी वैश्विक भाषा है, और हम दूसरे देशों के जो साहित्य हैं या जब हम भारत से बाहर निकल करके जब हम दूसरे लोगों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, तो वहां पर हमें एक ऐसी लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जिसमें मैं सारी उनके साथ अंतःक्रिया भी कर सकूं और जो साहित्य उपलब्ध है उनसे मैं अपनी जानकारी भी प्राप्त कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि ये तीन लैंग्वेज की जो पढ़ाई है बच्चों के लिए, ये बहुत जरूरी है, और उसी को इन्होंने बहुभाषिकता कह के संदर्भित किया है, और विशेष रूप से संस्कृत पर बल दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे संविधान में, भारत के संविधान में आप 18 भाषाएं शुरू में थी, हमने बाद में 22 कर दिया,
और आगे भी कुछ भाषाएं हमने वेटिंग लिस्ट में रखा है, भोजपुरी जैसी भाषाओं को हम अपने संविधान में शामिल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन संस्कृत का हमारे संविधान में अभी तक कहीं भी जिक्र नहीं है। यह हम सबको सोचना पड़ेगा। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने सोचा, और ये बहुत अच्छा कार्य है, हमारे जो अग्रज हैं जिन लोगों ने इस बात पर विचार किया है कि हम संस्कृत जैसी भाषाओं को भी आगे प्रोत्साहित करेंगे और इस क्षेत्र में हम आगे काम करेंगे। तो बहुभाषिकता के अंतर्गत उन्होंने इस बात पर कार्य किया है और उसको मार्गदर्शी सिद्धांत रखा है कि हम भारत के अंदर, जैसे हम कहते हैं कोस कोस पर पानी बदले और पांच कोस पर बानी, तो भारत एक ऐसा अतुल्य भारत है जिसके कि हर पांच कोस की दूरी पर भाषा बदल जाती है। तो उस पर उन्होंने बल दिया और कहा कि हम अपनी इस अमूल्य धरोहर को, हम जो कहते हैं अतुल्य भारत, हमारी अनेकता में एकता और एकता में अनेकता की जो संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, इसको हम मेंटेन रखने के लिए अनंत काल तक हम बहुभाषिकता को कक्षा कक्ष में शामिल करेंगे और इसको प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने जीवन कौशल को भी अपने जो मार्गदर्शी सिद्धांत उसमें रखा है, जो उन्होंने मूल सिद्धांत लिया है। निश्चित रूप से जीवन के जो विभिन्न कौशल हैं, ज्ञान अर्जित करना एक बात है और जीवन में अपने जीवन को सुखदायी सफल तरीके से और दूसरों के सामंजस्य से सहयोग से पूरा करना एक दूसरा पक्ष होता है और उसमें हमको कुशलता की आवश्यकता होती है। आप देखिए वर्तमान परिदृश्य में हम एक बहुत बड़ी महामारी से हम ग्रस्त हैं सभी लोग कोविड के इफेक्ट में, और इस तरीके की जो चीजें होती हैं या बहुत सी विषम परिस्थितियां देश में आती हैं या हमारे जीवन में आती हैं, परिवार में आती हैं, हमारे समाज में आती हैं, तो यदि हमारे पास जीवन में अलग अलग प्रकार के कौशल नहीं है, हम उन स्थितियों से सामंजस्य नहीं बिठा पाते, तो आप देखें कि फिर हम किस तरीके से बिखर जाते हैं। फिर वहां ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। ज्ञान होना एक पक्ष है, किंतु अपने जीवन में सफल होने के लिए और सारे कार्यों को सही तरीके से संचालित करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की कुशलता की आवश्यकता होती है, और यदि हम कुशल नहीं होते हैं तो उस क्षेत्र में हम धोखा भी खाते हैं, असफल भी होते हैं, हम अवसाद में आते हैं और फिर गलत निर्णय भी ले लेते हैं। तो बच्चों के साथ उनके जो जीवन कौशल है उनको भी विकसित करने की बात इस मार्गदर्शी सिद्धांत में कहा गया है। उसके साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर बहुत दिया जाए। तो सीखने के लिए सतत मूल्यांकन यदि नहीं होगा, अभी तक आप देखें कि हम लोग बार बार ये सतत और व्यापक मूल्यांकन पर भी बहुत सी बातें कर रहे हैं, पूरे भारत में पूरे विश्व में सतत और व्यापक मूल्यांकन की बातचीत की जा रही है, किंतु हम कहीं ना कहीं बाध्य होकर के फिर हम सततता को तो हम शायद मेंटेन कर लेते हैं लेकिन व्यापकता को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और जब उसको मूल्यांकन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मापन पे चले जाते हैं, कहीं ना कहीं उसको हम ग्रेड, जैसे हमने ए प्लस ए बी कोई चीज कहीं एक हमने संबोधित किया तो वो फिर वो सतत नहीं है वो, क्योंकि यहाँ पर गुणात्मक टिप्पणी की बात की जा रही है। जैसे हमने अंकों में किसी की प्रतिभा को नापा, किसी की प्रतिभा को, किसी की अच्छाई को अंकों में नहीं आका जा सकता। उदाहरण स्वरूप यदि मैं कहूँ ये सत्य बोलते हैं और ये 12 इनका अंक जो है 100 में 18 है, या इनका 100 में 80 है, 80% ये सत्य बोलते हैं, तो इस तरीके से किसी की गुण को कभी भी अंकों में मापा नहीं जा सकता। तो ठीक इसी प्रकार से वो करें कक्षा कक्ष में बच्चों की जो क्षमताएं हैं, उनकी जो कुशलताएं हैं, उनकी जो दक्षताएं हैं, उनको आप सतत रूप से देखते रहें, उसका मूल्यांकन करें और उसमें वृद्धि के लिए उनको सहायता करें। ठीक है, हमारे पास बाध्यता है कि अभी भी हम उनको ग्रेड में ही रख रहे हैं, अंकों में ही रख रहे हैं, किंतु गुणात्मक टिप्पणी पर विशेष जोर दी जा रही है कि जब भी हम बच्चों की अच्छाइयों को देखें, उनकी दक्षताओं को देखें, उनकी क्षमताओं को देखें, तो उसका जो आकलन है वो सतत रूप से हो। और ये सतत रूप से मूल्यांकन पर जोर इसलिए भी दिया जा रहा है कि ये सतत जब मूल्यांकन होगा तो शिक्षक को यह भी पता चलता रहेगा कि मेरा शिक्षण जो पद्धति है या जो कुछ मैंने बच्चों के साथ साझा किया है, मैं उसमें कितना सफल हूं। सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, तो ये दोनों पक्ष जरूरी है शिक्षक के लिए कि वो पहले तो ये मूल्यांकन करता है शुरुआती दौर में, जब वो प्रस्तावना के प्रश्न करता है तो वो देखना चाहता है कि बच्चों की कहां तक समझ विकसित है, और जहां तक बच्चों की समझ विकसित होती है उसी के आगे वो अपनी बात जोड़ता है, या जो नवीन जानकारी या जो नवीन अवधारणा वो बच्चों के बीच में रखना चाहता है उसी के आगे जोड़ना चाहता है। तो निश्चित रूप से जब तक वो मूल्यांकन नहीं करेगा सतत रूप से, तो सीखने के लिए मूल्यांकन करेगा, और जब उसने बच्चों के साथ कार्य कर लिया तो सीखने के दौरान भी मूल्यांकन करता रहेगा कि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, मेरी बात बच्चों तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, बच्चे मेरी बात को समझ रहे हैं, उसके अनुरूप वो लर्निंग उनकी हो रही है, वो अपनी समझ विकसित करते चल रहे हैं, और अंत में वो देखने का भी प्रयास करेगा कि जो कुछ मैंने बच्चों के साथ साझा किया अल्टीमेटली वो उनकी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा।
तो ये सीखने के लिए जो सतत मूल्यांकन है इस पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज्यादा तवज्जो दिया जाए इंस्टेड ऑफ समेटिव असेसमेंट का। वो भूलने की बात नहीं कर रहे हैं, बट फॉर्मेटिव असेसमेंट को वो ज्यादा तेजी से लागू करने की बात कर रहे हैं। और एक उन्होंने मार्गदर्शी सिद्धांत में रखा है विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान। वो कह रहे हैं कि जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, जब हम विषय वस्तु को लेकर के होते हैं बच्चों के बीच में, छोटी कक्षाओं में विशेष करके देखा जाए, तो जो कहानियां हैं, जो तथ्य हैं, जो कविताएं हैं, जिन जानकारियों, जिन चीजों को लेकर के हम उनसे ज्ञान सृजन की बात कर रहे हैं, उसमें स्थानीयता को जोड़ा जाए और विविधता को जोड़ा जाए, जिससे कि बच्चे अपने आप को अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर तुरंत जोड़ पाए। और जब हम एक ऐसे परिदृश्य को लेकर बातचीत करते हैं जो पूरी तरीके से बच्चों के लिए अमूर्त होता है, तो वहां पर जो समझ विकसित करने में बहुत ही समस्या आती है। तो इसलिए वो स्थानीय परिवेश के सम्मान की बात करते हैं। हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, जो हमारी वहां की विशेषता है, जो वहां की उपलब्धता है, उसको सम्मान दिया जाए और उसी के आधार पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बच्चों के साथ साझा किया जाए। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने जो मूलभूत सिद्धांत है उसमें शामिल किया है। कुछ और बिंदु है अगले स्लाइड में, सर आगे चले हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगले स्लाइड में ये जो बातें कुछ और शामिल की गई है, जैसे कि स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा तक पाठ्यक्रम में तालमेल। हम सब जानते हैं कि अभी तक जो हम लोगों ने भी जब शिक्षा लिया था, तो कई ऐसे किताबें हमारे सामने आई, कई विषय की, गणित की या हिंदी की या विज्ञान की, पिछली कक्षाओं से उनका तालमेल नहीं हो पाता है, कहीं कोई चीज ब्रेक होती है या ऐसा लगता है कि ये जो अगली कक्षा में आया और अचानक मुझे ये चीज पढ़ाई जा रही है, ये पिछली कक्षा से लिंक नहीं है, तो इसको समझ मैं विकसित नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि अब जो पाठ्यक्रम बनेगा तो उसमें हम सारा तालमेल उसको एक बार हम रिवाइज कर, पिछली कक्षा में जो कुछ पढ़ाया गया और उसका जो सब लेवल था और अच्छा का जो लेवल है, उसमें तालमेल हो, धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस हो, एक जैसी बात हो, ताकि बच्चों की जो समझ हो वो एकदम सतत रूप से और सही तरीके से विकसित हो पाए। एक और वो इसमें सजेशन दे रहे हैं कि शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना है। वो कह रहे हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो शिक्षक है, जो फैकल्टी है, वो उसके केंद्र में होंगे, उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसा नहीं है कि केवल प्रोसेस में ही हम चलेंगे और हमारी भूमिका नहीं होगी, शिक्षकों की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होगी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। और वो चीजों को जो कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, उसको जब वो फैब्रिकेट करेंगे, तो ये मान के चलेंगे कि सारी चीजों में मैं शामिल हूँ और सभी चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। और ठीक इसी तरीके से उन्होंने फैकल्टीज को भी कहा है कि अलग अलग अगर फैकल्टीज काम कर रही हैं, तो उनमें आपस में तालमेल हो और वो एक अपने इंडिपेंडेंट केंद्र की तरह कार्य करें। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने एक और जो मार्गदर्शी सिद्धांत रखा है कि उत्कृष्ट स्तर का शोध। हम सब जान रहे हैं कि वर्तमान भारत में जो शोध का स्तर है, शायद कोई कई मतलब उसके परसेंटेज जो है जो उच्च कोटि वाले हैं वो कम हो रहे हैं। ज्यादातर शोध अभी जो हो रहे हैं, शायद हम एक अपने नाम के साथ सरनेम लगाने वाली जो प्रकृति है उसके लिए हम ज्यादा जोर देते हैं, और कॉपी पेस्ट वाली संस्कृति है, ये कहने में गुरेज नहीं है मुझे इस मंच में, कि कॉपी पेस्ट वाली जो संस्कृति शोध की है वो शायद हम भारतीय विद्यार्थियों को उस दिशा में नहीं ले जा रही है जो कि हमसे राष्ट्र की अपेक्षा है। आगे के स्लाइड में एक यहाँ पर जिक्र किया गया इस डॉक्यूमेंट में कि कैसे उच्च कोटि के जो शोध हैं वो पूरे राष्ट्र के जीडीपी में हमको सीधे तौर पे मदद करेंगे, वो जब उच्च शिक्षा वाला जो भाग है उसमें मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो इसको भी उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है कि उच्च स्तर के शोध करने की आवश्यकता है, इसमें हम सारे शिक्षकों को मेंटर के रूप में शामिल होने की आवश्यकता है और अपने विद्यार्थियों के साथ उसको संपादित करने की आवश्यकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना। अल्टीमेटली वो कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे बच्चों को पूरे भारत के जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारा समाज है, उसका जो गौरव है, हमारा एक पूरा बहुत बड़ा सनातन काल से हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है, विभिन्न कालों में आप देखें तो बहुत गौरवपूर्ण वर्णन हमारे देश के बारे में है। हम पूरे विश्व के हम कह सकते हैं कि हम गुरु हैं, हम उनको लीड करते हैं। वर्तमान स्थितियां धीरे धीरे ह्रास हो रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को उनसे बांधें, उनकी पहचान कराएं, उनमें वो गौरव विकसित करें, उनमें राष्ट्र प्रेम हो, राष्ट्र भाव हो, धर्म के प्रति प्रेम हो, समाज के प्रति प्रेम हो, और जो भारत की गौरवपूर्ण संस्कृति है वो पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए पुनः हमको उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसमें विश्वास रखना पड़ेगा, हमें अलग अलग भागों में बंटना नहीं होगा। तो ये तब संभव है
जब हम उस तरीके के पाठ्यक्रम को लाएं, कक्षा कक्ष में उस पर चर्चा करें, शिक्षक बच्चों को समय समय पर उससे अवगत कराएं, और अवगत ही न कराएं वो ऐसा देख भी पाए कि हमारे बच्चों में उस तरह का भाव विकसित हो रहा है, वो समाज में उस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया को दे पा रहे हैं, वो अपने व्यवहार में उस चीज को प्रदर्शित कर पा रहे हैं कि हम कितने महान हैं, हमारे पूर्वज कितने महान थे, हमारे अभिभावक हमारे माता पिता कितने महान हैं, जो पूरे विश्व में अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर के हम उसके वाहक बने हुए हैं। अगर आप इस पर चर्चा करें तो कई महीने तक क्लासें चल सकती हैं। हम भारतीय संस्कृति को जब अगर दूसरों के सामने, दूसरे देशों के सामने अगर व्याख्यान करने लगे अपनी महानता को, आगे भी इस पीपीटी में एक जगह चर्चा की गई है जब कहा गया है कि कैसे हम अपनी गौरवशाली इतिहास को बरकरार रख सकते हैं पूरे विश्व के सामने। तो ये सारी मार्गदर्शी सिद्धांत जो है उन्होंने अपने इस डॉक्यूमेंट में रखा है, और हमसे अपेक्षा की है कि हम अपने बच्चों के साथ इन सारे मार्गदर्शी सिद्धांतों को रखते हुए ये पूरी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके तहत हम अपने स्कूली शिक्षा में और उच्च शिक्षा में बदलाव को हम संपादित करें और क्रियान्वित करें। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसका एक विजन है, वो विजन क्या कहता है उसके लिए हम अगली स्लाइड पर चलेंगे। सर से अनुरोध है कि अगली स्लाइड पर हम चले सर। ये देखिए एक विजन है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इस पूरे विजन को मैंने पूरे वाक्य में इसलिए लिखा है कि हम लोग इसको पढ़ें और फिर ये देखें कि वास्तव में कितना महान जो लोग इस कार्य में लगे थे हम सभी उनको सत नमन करें कि वास्तव में कितने महान विजन को लेकर के इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया है, और हम सभी शिक्षकों से अपेक्षा की जा रही है कि हम इसका अनुपालन करें। ये कहता है कि छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्य में भी, और साथ ही ज्ञान कौशल मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकारों, स्थानीय विकास और जीवन यापन और वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही माने में वैश्विक नागरिक बन सके। पूर्व के डॉक्यूमेंट में हमने वैश्विक नागरिक बनने की बात नहीं की गई है, यहाँ इस डॉक्यूमेंट में हम अपेक्षा कर रहे हैं अपने बच्चों से, अपने नागरिकों से, भावी नागरिकों से, कि वे वैश्विक नागरिक बने, अर्थात वो केवल भारत के कल्याण की बात ना करें, वो पूरे विश्व के कल्याण की बात करें। वसुधैव कुटुंबकम की बात की जा रही है, पूरा विश्व हमारा परिवार हो, ऐसी भावना होगी। हम किसी देश प्रेम की बात तो वास्तव में सही है और देश प्रेम होना भी चाहिए और रहेगा भी, किंतु यहाँ पर पूरे विश्व को जोड़ करके चलने की बात की जा रही है, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई है, एक ऐसा विकास में हम शामिल हों, अपने शोध करें, अपनी क्षमता विकसित करें, अपना योगदान दें, जो पूरे विश्व में जो मुख्य मुख्य क्षेत्र हैं उनमें जो हमारा जो चिरस्थायी जो विकास है हम उसमें शामिल हों। कोई ऐसा विकास हम ना करें जिससे कि पूरे विश्व का नुकसान हो सके या किसी वर्ग विशेष या क्षेत्र विशेष का नुकसान हो सके। जैसे जिसने भी ये कह सकते हैं हाइड्रोजन बम बनाया, तो शायद उसके मन में ये भाव था कि हाइड्रोजन बम बनाऊंगा या मैं परमाणु बम बनाऊंगा या परमाणु ऊर्जा की बात उसके मन में थी, उसने बम की तरफ कभी अपना दृष्टिकोण नहीं रखा था, किंतु वो परमाणु ऊर्जा के साथ साथ उसने परमाणु बम का जो ईजाद कर दिया, और जिससे कि दो विश्व युद्धों में हमने उसको देखा, और द्वितीय विश्व युद्ध में हमने नागासाकी और हिरोशिमा का जो नाश था उसको देखा, और फिर वो पता लगा कि जो आविष्कार था वो मानव विकास में और मानव की सहायता के लिए नहीं बल्कि वो उसके अगेंस्ट में हो गया। तो इस तरीके के विकास को वो रोकना चाहते हैं। वो कहते हैं इस तरीके का कार्य हमारी शिक्षा के माध्यम से नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चों में इस तरीके का भाव नहीं पैदा होना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करूं, जो भी शोध करूं, जिस तरीके का विकास की बात करूं, वो मानव समाज के लिए हो, ना कि मानव अहित के लिए हो। तो उस पूरे विजन को ये कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि गर्व न विचार केवल व्यवहार, वो कह रहे हैं कि केवल हम गर्व अपने जवानों से न कहें, अपने शब्दों से न कहें कि मुझे अपने देश पे गर्व है, बल्कि गर्व तब माना जाएगा जब वो हमारे व्यवहार में दिखेगा और साथ साथ हमारे कार्य में भी दिखेगा। तो ये इस बात पर फोकस किया गया है कि हम केवल उसको सैद्धांतिक रूप से न संदर्भित करें बल्कि हम उसको क्रियान्वित करें और वो हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए। जब तक व्यवहार में नहीं दिखेगा, शिक्षा का हम सभी जानते हैं शिक्षा का उद्देश्य ही है व्यवहार में परिवर्तन। मैं कितना शिक्षित हूँ ये मेरे व्यवहार से पता चलना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं समाज में तो कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत सुसंस्कृत है, ये व्यक्ति बहुत संस्कारिक है,
ये ऐसा कर पाते हैं क्योंकि यह उसके व्यवहार में परिलक्षित होता है। मैं हर मुद्दे पर यह नहीं पूछता कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, किंतु आपके व्यवहार से, किसी भी बच्चे के व्यवहार से, किसी भी नागरिक के व्यवहार से हम ये आकलित कर लेते हैं कि इनकी समझ कितनी बेहतर है और अर्थात ये किस प्रकार की शिक्षा इन्होंने अर्जित की है। तो उस पर वो ज्यादा बल दे रहे हैं, न कि केवल डिग्री हासिल करने पर। तो ये पूरा विजन है इस नीति का, जिसके आधार पर उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सुझाव दिए हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम आगे उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, और प्रिंस जी से अनुरोध है कि अगले स्लाइड पर चलिए। यहाँ पर देखिए शुरुआत जो की गई है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से की गई है, जिसको वो कह रहे हैं कि सीखने की नींव के रूप में वो देख रहे हैं, और सीखने की नींव के तहत वो ऐसा मान रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट में कहा गया और ये सत्य भी है, कि बच्चों के जो मस्तिष्क का 85% जो विकास है वो 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। तो ये कहा गया कि जब बच्चों की जो मानसिक अवस्था है वो 6 वर्ष से पूर्व 85% विकसित हो जाती है, तो फिर क्यों ना उसी समय हम उनके साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल हो जाएं और जो बेहतर तरीके से सीखने का प्रक्रिया जो कार्य है वो हम कर पाएं। आप जानते हैं कि मुख्य रूप से जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो मैं किसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, मैं मेरे अंदर जो विचार है, जो मेरा अनुभव है, मैं आपके साथ किसी भाषा में ही साझा कर पा रहा हूं। तो निश्चित रूप से मुझे अपनी बात कहने के लिए या अपने विचारों को साझा करने के लिए किसी एक भाषा की आवश्यकता होती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु होता है कि हम बच्चे की भाषा को विकसित करें और शुरुआती दौर से ही करें। घर में बच्चे जब पैदा होने के बाद ही जब बच्चों की आवश्यकता पूर्ति की बात आती है तो वो अपने माता पिता से, अपने अभिभावक से, अपने रिश्तेदारों से, अपने समाज में लोगों से अंतःक्रिया करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और वह भाषा वही भाषा होती है जो उनकी माँ बोलती है या उनके परिवार में बोला जाता है, तो वहां से भाषा की शुरुआत होती है। किंतु एक औपचारिक रूप से किसी भाषा में समृद्ध होने के लिए हमको चारों दक्षताओं में समृद्ध होना पड़ता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो जब पढ़ने और लिखने की बात आती है तब हमको एक सेट पैटर्न के अंतर्गत कुछ वर्णों की आकृतियों को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वो किसी भी भाषा में। उसके लिए हमको फिर ये आवश्यकता होती है कि मैं औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करूं। तो वो कह रहे हैं कि फिर उसके लिए हम शुरुआती और से ही बच्चों की, उसके लिए उन्होंने ECCE का कॉन्सेप्ट दिया, अर्ली चाइल्डहुड एक्शन की बात, तो पर वो कर ले शुरुआत बच्चों का जो केयर है उनकी करें, साथ उनकी आधारभूत जो उसको भाषा की सारे सारे कनेक्ट, चाहे वो धर्म और चाहे वो क्रियाओं की बात, जीवनमाना हो, रचनात्मकता के कार्य करने, हर को गणित की ही आवश्यकता होती है। बिना गणित के हम अपने दैनिक कार्यों किसी भी प्रकार से संपादित नहीं कर पाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि मुख्य रूप से गणित और भाषा पे विशेष बल दिया जाए और इसको आधारभूत रूप से बच्चों के साथ विकसित किया जाए, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए वो कह रहे हैं कि हम एक, उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है जिसमें कि वो 5+3+3+4 की बात कर रहे हैं। तो जो वर्तमान की जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा है और उच्च शिक्षा की बात की जा रही है, एक ये जो ढांचा है इसमें परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और जो बहुत ही ऐसा लगता है कि आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में जब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे बच्चों का जो छोटे बच्चे हैं जिनका मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष तक ही 85% तक हो पा रहा है, हो जाता है, तो ऐसे बच्चों के साथ शुरुआती 5 साल, तो उसको उन्होंने जैसे जोड़ा है कि नर्सरी और LKG UKG 1 और 2, तो किंडरगार्टन वाला जो लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन है, तो वो किंडरगार्टन जो मेरिया मॉन्टेसरी का जो कॉन्सेप्ट था, वो खेल खेल में शिक्षा और बच्चों को स्कूल में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने का और गतिविधियों में शामिल करने का अवसर दिया जाए, कुछ उसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को लेकर के चलने की बात है। और ये 5 साल जो लगभग ये शुरुआती दौर में 3 साल के बच्चे LKG में नर्सरी में आएंगे, और फिर क्रमशः 4 साल, 5 साल और 6 साल, तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि कक्षा 1 और 2 और 7 साल में 2 तक की बात पूरी हो जाए। तो इस 5 सालों में शुरुआती दौर में मुख्य रूप से जो बातचीत की जा रही है वो भाषा और गणित के विकास पर बातचीत
चाहिए और साथ ही साथ बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी है, उनके अंदर जो तर्क करने की क्षमताएं हैं, अपनी बात को रखने की जो है गतिविधियों में शामिल होना है, तो इन सारी चीजों को वो लेके कह रहे हैं कि हम उनके साथ कार्य करेंगे और ये एक फाउंडेशनल लर्निंग होगी या फाउंडेशन निर्माण की बात कर रहे हैं जिसके आधार पर पूरे फिर आगे की शिक्षा जो होगी वो निर्धारित होगी। तो इसके लिए ये बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की बात कर रहा है और ये सीखने के नींव के रूप में होगी। तो नींव जितनी हमारी मजबूत होगी उसके ऊपर जो आगे का जो हमारा समझ होगा, ज्ञान होगा, वो बहुत बेहतर होगा और इसलिए इस पर बहुत बल दिया जा रहा है और संभवतः आने वाले समय में सबसे पहले हम इस पर ही अपनी बात करेंगे या इसको ही क्रियान्वित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस पर कार्य हम बहुत तेजी से आगे कर भी पा रहे हैं। आगे के स्लाइड पे चले सर। अगली स्लाइड सर। एक और बिंदु यहाँ शामिल किया गया है, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। तो वर्तमान का जो डाटा है वो देखा जा रहा है कि कई कतिपय कारणों से बच्चे बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़ देते हैं और जो परिवार का कारण है, धन उनका जीवन यापन का कारण है या उनके पास इतना फीस नहीं है कि वो आगे की शिक्षाओं को कंटिन्यू कर सकें या उनको कहीं कहीं उनके किसी ये कह सकते हैं कि विभेदीकरण के कारण उनको रोक भी दिया जा रहा है। तो वो सारी चीजों को देखते हुए अब उन्होंने कहा कि अब हम इस पर विशेष बल देंगे कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं बीच में, ये डाटा बहुत ही अच्छा नहीं है। उच्च शिक्षा तक पहुंचने वालों का डाटा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि 30-40% से ऊपर नहीं आता और बहुत ऊपर की बात की जाए तो वहां तक हम 10-12% ही लोग पहुंच पा रहे हैं। शुरुआती दौर में प्राथमिक में इनरोल होने के बाद उच्च प्राथमिक में जाते जाते ही वो स्थिति 50% ड्रॉप आउट दिख रही है वर्तमान में, जो कि एक बहुत खराब स्थिति है। जबकि हम कह रहे हैं कि संविधान में कि भारत के भौतिक क्षेत्र में रहने वाले, जो हमने धारा 21 अ के माध्यम से संशोधन किया है, तो हमने वहां कहा है कि संविधान के तहत कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले समस्त ऐसे बच्चे जो 6 से 14 वर्ग के हैं उन्हें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और इसमें यह भी कहा गया कि जो कोई इसके बीच में अवरोध उत्पन्न करेगा उसे दंडित भी किया जाएगा। तो ये तो संविधान में हमने कह दिया, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या हम 6 से 14 वर्ग के बच्चों को एकदम अनिवार्य रूप से और निःशुल्क शिक्षा दे पा रहे हैं। निःशुल्क की बात तो एकदम हमको ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से लागू है, हमारे प्रसिद्ध विद्यालयों में कहीं भी फीस की बात नहीं की जा रही। किंतु समाज में हमारे पैरेलल और से भी तो बच्चे हैं जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो तो शुल्क दे रहे हैं, तो उन बच्चों का हक तो मारा जा रहा है। हम ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं कर पा रहे हैं कि हम पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले समस्त बच्चों को प्राथमिक शिक्षा हम या 6 से 14 वर्ग के बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा दे पाए, तो कहीं ना कहीं मजबूरी में उनका हनन हो रहा है। तो इसमें ये बात की जा रही है कि हम ऐसी व्यवस्थाओं पर बल दें जिससे कि हम सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे पाए और जो बच्चे बीच में किसी कारण से शिक्षा छोड़ करके शिक्षा से अलग हो जा रहे हैं उनको अलग न होने दें, उनको हम जोड़ने का प्रयास करें। सार्वभौमिक पहुंच की बात इसी के लिए कि हम हर तक, चाहे वो भारत का इंटीरियर इलाका हो, ऐसा कुछ बहुत से आदिवासी क्षेत्र हैं या बहुत इंटीरियर के इलाके हैं जहां तक हम अपनी पहुंच नहीं बना पा रहे, वहां के बच्चे बिना पढ़े ही अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और पूरा जीवन उनका समाप्त हो जा रहा है बिना पढ़े, तो ऐसा न करके, क्योंकि वो GDP में हमारे साथ शामिल हैं और उनके उनकी जो अज्ञानता है या अशिक्षा है वो हमारे GDP में शामिल हो रही है, हमारे जो GDP को वो प्रभावित कर रही है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या हम कम करेंगे, न्यून करेंगे, उसके लिए हम कार्यक्रम चलाएंगे और सभी तक शिक्षा को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये बातें कही जा रही हैं इस डॉक्यूमेंट में। आगे चलें सर। इस ये जो स्कूलों में जो पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का जो अधिगम समग्र और एकीकृत आनंदमय और रुचिकर जो माहौल बनाने की बात की जा रही थी, जिसके तहत हमने अभी आपसे बातचीत किया कि 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल का जो स्वरूप है वो बदल करके लाने की बात की जा रही है। तो इसमें जो पहले 5 साल हैं वो तो जैसा भी हमने आपके साथ चर्चा किया कि नर्सरी, LKG, UKG 1 और 2, तो वो 5 साल के बाद वो 3, 4, 5 को एक सेगमेंट में डालना है, 6, 7, 8 को एक सेगमेंट में डालना है और 9, 10, 11, 12 की कक्षा को एक सेगमेंट में डालना है। और इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है इसका ऐसा रखने का, क्योंकि 3, 4, 5 में
जब हम फाउंडेशनल लर्निंग कर लेते हैं तो 3, 4, 5 में हम बच्चों को एक से ज्यादा विषयों से जोड़ते हैं, कुछ संक्रियाओं को शामिल करते हैं, कुछ नए तरीके की अवधारणा आप देखेंगे हमारी जो कक्षाओं में किताबें चलेंगी आप उनका अवलोकन करें, आपको ऐसा ऐसा विशेषता वहां शामिल होता हुआ मिलेगा। कुछ हम अवधारणाओं पर बातचीत करते हैं और मान के चलते हैं कि कक्षा 3 में जब बच्चा आ गया तो 6-3, 9-10 साल की उसकी उम्र है, उस उम्र में हम उसके साथ और तेजी से सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से 6, 7, 8 की जब स्थिति होती है, जब बच्चा और बड़ा होता है और फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा क्षमताएं होती हैं, जिज्ञासाएं होती हैं, संक्रियाओं में शामिल प्रक्रियाओं में शामिल होने की क्षमताएं विकसित होती हैं, तो उनको लेकर के फिर हम उस जो अवधारणात्मक तत्व हैं उनको और विकसित करते हैं और फिर 9, 10, 11, 12 को उन्होंने एक सेगमेंट में डाल दिया है और इस तरीके से वो ये बात कर रहे हैं कि समग्र रूप से हम उनको और एकीकृत से इंटीग्रेट करके और रुचकर तरीके से शिक्षा देने का कार्य करें जो कि बच्चों के लिए आनंदमयी हो। और आनंदमयी बनाना एक सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि जैसे ही किसी टॉपिक को लेकर के हम रटंत प्राली में आगे बढ़ते हैं तो वो नीरस हो जाता है। तो आनंदमयी शब्द कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, किंतु यदि शिक्षक के रूप में मुझे उस चीज को लेके कक्षा कक्ष में प्रयास करना है, पाठ योजना बनाना है, उस तरह की गतिविधियां बनानी है, तो फिर लगता है कि नहीं ये एक हमारे लिए चैलेंज है और इसी पर जोर दिया जा रहा है कि कैसे हम इस चीज को कक्षा कक्ष में बच्चों तक ले जाएं ताकि हमारी कक्षाएं आनंदमयी हो और बच्चों के साथ जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया हो रुचिकर हो। आगे चले सर। अगली स्लाइड पे चलें। यहां पर शिक्षकों की भी बात की जा रही है इस डॉक्यूमेंट में और उसके माध्यम से कहा जा रहा है कि अब हम ऐसा प्रयास करेंगे कि विषयवार शिक्षकों की संख्या को हम पर्याप्त करेंगे। वर्तमान में आप देखें बहुत से छोटी कक्षाओं के साथ साथ बड़ी कक्षाओं में जहां पर कि विषय ज्ञान की ये बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है कि एक विषयवार शिक्षक हो। प्राथमिक कक्षाओं में तो शिक्षक सारे विषय लगभग लगभग पढ़ा लेता है, किंतु जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाती हैं वहां पे विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है और जब वहां पर विषय विशेषज्ञ के रूप में एक शिक्षक हमारे पास नहीं होता है तो फिर वो पूरे साल बच्चों को उससे रिलेटेड जानकारी नहीं मिल पाती है जिससे कि आगे की सारी शिक्षाएं उसकी प्रभावित होती हैं। यह आप सबका भी मानना होगा, आपको कभी अगर ऐसा आपके साथ कभी ऐसा मौका आया होगा जब किसी कक्षा में कुछ समय तक किसी शिक्षक ने आपके साथ कक्षा शिक्षण नहीं किया होगा, उन कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया होगा। जैसे वर्तमान में आप देखें COVID-19 में हमारा पूरा सत्र शून्य हो रहा है, हम ऑनलाइन जुड़ पा रहे हैं बच्चों से लेकिन वो बातें नहीं हो पा रही हैं जो हम फिजिकली उनके सामने उपस्थित होकर के उनके साथ फिजिकली हम उनको टीच मतलब बता पाते, पढ़ा पाते, उन चीजों को समझा पाते, तो वो जो गैप आ जाता है वो पूरे जीवन उनको प्रभावित करता है। तो यहाँ पे बातचीत की जा रही है कि जो विषयों के शिक्षक है उनकी संख्या हम पर्याप्त करेंगे ताकि हर कक्षा में विषयवार शिक्षक हों और वो अध्ययन अध्यापन का कार्य व्यवस्थित रूप से शिक्षकों के साथ कर सके, इसकी बात की गई है। शिक्षकों की क्षमता संवर्धन की बात की गई है और यहाँ अपेक्षा की गई है कि एक शिक्षक समेकित रूप से कई विषयों के ज्ञान रखे, बेशक वो अपने विषय का विशेषज्ञ हो लेकिन जो दूसरे इंटर रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें भी उसकी समझ हो, तो उसके उसके अनुसार उनके क्षमता संवर्धन की बातचीत की जा रही है। जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा थी उसमें भी गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों के लिए सुझाव था, जब वहां कहा गया था कि आपको राष्ट्रीय आपदा और 10 वर्षीय जनगणना के अलावा कोई कार्य नहीं दिया जाएगा और कक्षा कक्ष में भी आप कक्षा शिक्षण करेंगे आपसे और कोई शिक्षणत्तर कार्य नहीं दिया जाएगा और वो शायद पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया। आप सभी जानते हैं उस धारा को या उस नियम को कई तरीके से कई लोगों के द्वारा मिस इंटरप्रेट किया गया और फिर भी लोगों शिक्षकों को बहुत से शिक्षणत्तर कार्यों में लगाया गया जिसका कि दुष्परिणाम कक्षा कक्ष में देखने को मिला। और उसी चीज को देखिए यहाँ भी कहा जा रहा है कि गैर शैक्षणिक कार्यों की न्यूनता की जाएगी, शिक्षकों से बाकी के फालतू काम नहीं लिए जाएंगे, इवन मिड डे मील में भी कहा जा रहा है, जहां एक तरफ इस डॉक्यूमेंट में कहा जा रहा है कि हम बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट की भी व्यवस्था करेंगे, वहीं शिक्षकों के लिए कहा जा रहा है कि उनको इस कार्य से मुक्त कर देंगे, मिड डे मील बनाने की प्रक्रिया में और ब्रेकफास्ट को बनाने की प्रक्रिया में शिक्षक शामिल नहीं होंगे। ऐसा विशेषज्ञों के द्वारा माना जा रहा है कि जब शिक्षक इन कार्यों में शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कक्षा कक्ष की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है, यदि इसमें हम सफल हो पाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो हम कक्षा कक्ष में देखना चाहते हैं हम वहां भी सफल हो पाएंगे। तो इस पर भी हमको एक बहुत गंभीरता के साथ कार्य करना होगा कि हम कैसे शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग करके कक्षा कक्ष में ही फोकस करने के लिए अवसर दें।
यदि वो शिक्षक अवसर पाएगा तो फिर वो अपने बेहतर को कक्षा कक्ष में या अपने अनुभव को या अपनी जो उसकी उत्कृष्टता है वो उसको रख पाएगा। पाठ्यक्रम और शिक्षण के पहलुओं को चयनित करने की एक स्वतंत्रता भी देना चाह रही है। ये डॉक्यूमेंट एक बहुत अच्छी बात कर रहा है कि शिक्षक किस पाठ्यक्रम को लेकर कार्य करना चाह रहा है और किस पहलू पर वो अपना कार्य करना चाह रहा है, कौन सा उसका टॉपिक बहुत स्ट्रांग है वो स्वतंत्र है, उसको अपना चुन ले, उसके आधार पर कार्य करे। बाध्यता न हो कि नहीं आपको ये पढ़ाना ही है, इस पर भी इसमें एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन किया गया है। और टीचर्स का जो कॉन्टिन्यूस जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, सतत विकास जो है उसकी बात की जा रही है। शिक्षकों को लीडरशिप और मैनेजमेंट की बात की जा रही है, उनका जो मैनेजमेंट कौशल है उसको विकसित करने की बात की जा रही है। क्योंकि एक तरफ तो हम शिक्षक है कक्षा कक्ष में भी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, विद्यालय में भी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो शिक्षक होना एक पक्ष है, एक घटक है, लेकिन एक विद्यालय को संस्था के प्रधान के रूप में उसको पूरी तरीके से सफल तरीके से संचालित कर पाना उसका दूसरा पहलू है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हम उनका लीडरशिप का जो स्किल है उसको डेवलप करेंगे और जो उनका मैनेजमेंट का जो स्किल है उसको भी डेवलप करने की बात की जाएगी। और उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले शिक्षकों की पहचान और प्रोत्साहन की बात की जा रही है। आप यहाँ पर संभवतः कुछ ऐसी बात की जा रही है कि जो शिक्षक उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उनको आउट ऑफ टर्न हम प्रमोशन भी देंगे। निश्चित रूप से केवल सेवा में बने रहने से सीनियरिटी यदि डिफाइन हो रही है तो शायद वो सीनियरिटी लॉजिकली सही नहीं है कि हम एक बेहतर कार्य करके अपने आप को सीनियर की जगह सुपीरियर अपने आप को सिद्ध करें और उस आधार पर हम प्रमोट हों। बहुत से विभाग इस पर कार्य कर रहे हैं, इस तरह की बात हमारे शिक्षा विभाग में भी और इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से भी की जा रही है। निश्चित रूप से एक बेहतर कदम होगा क्योंकि हम सिर्फ सर्विस में या अपनी सेवा में बने रहने से ही अपने आप को सीनियर नहीं कर पाएंगे, सुपीरियर नहीं कर पाएंगे। जब हम कुछ अच्छा उत्कृष्ट करेंगे और हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो प्रबंधक होंगे, हमारे जो नेतृत्वकर्ता होंगे, जब वो इस बात को देखेंगे, संदर्भित करेंगे कि अमुक शिक्षक का प्रदर्शन बहुत बेहतर है, इनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए और उसको मिलेगा तो फिर वो और बेहतर करने का प्रयास करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है इस डॉक्यूमेंट में उठाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि स्कूली शिक्षा के किसी भी चरण में और बाकी जो जैसे हम कह रहे हैं कि शुरुआती जो 5 साल का जो एक स्लॉट है या 3 साल का, फिर 3 साल का, फिर अगला 4 साल का, तो उसमें कोई कमतर और कोई बेहतर नहीं है, वो एक जैसे की बात कर रहे हैं। क्योंकि सारे शिक्षक एक जैसी ही मदद कार्य करें, चाहे कक्षा प्री प्राइमरी में पढ़ाने वाला शिक्षक हो, कक्षा 1 में पढ़ाने वाला शिक्षक हो या कक्षा 6-7 में पढ़ाने वाला शिक्षक हो। वो कह रहे हैं सबकी क्षमताएं जो कक्षा कक्ष में प्रदर्शित हो रही वो एक जैसी हो रही है, तो सबको हम एक जैसा मानेंगे, हम उनमें आपस में भेद नहीं करेंगे। संभवतः ये शायद उनके मानदेय को, उनके सैलरी को लेकर भी बात होगी, उनके स्टेटस को भी लेकर बात होगी, कुछ इस तरीके की बात इस डॉक्यूमेंट में कही जा रही है। आगे चले सर। एक और बात की जा रही है, ये भी बहुत जरूरी है, समता मूलक और समावेशी शिक्षा। तो समता मूलक जो शब्द है ये संविधान से लिया गया, हम सभी जानते हैं दो शब्द होते हैं समता और समानता। तो समानता शायद ये समाज में उतनी ज्यादा आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाता है जितनी समता कर पाता है। तो समता का आशय यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि सबको एक लेवल पे लाने के लिए जिसकी जितनी आवश्यकता है उसको उतनी मदद की जाए। तो यहाँ पे समता मूलक की बात की जा रही है, जिस बच्चे को बहुत आता है उसको भी हमको सहायता करना है और जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता उसको भी हमको सहायता करना है। अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है, जो सबको एक लेवल पे ले आना, सबको गुणा आ जाए 4 अंकों का, यह हमारा प्रयास होगा। जो गिनती नहीं सीख पा रहा उसके साथ उतनी ही मेहनत होगी और जो 2 अंकों का कर पा रहा उसके साथ भी उतनी ही मेहनत, उसके साथ उसी अनुसार मेहनत होगी और दोनों का हमारा प्रयास होगा शिक्षक के रूप में कि हम दोनों बच्चों को इस स्थिति में ला दें कि दोनों 4 अंकों का गुणा कर सकें। तो यहाँ समता मूलक की बात की जा रही है और समावेशी की बात की जा रही है कि हर तरह के, हर वर्ग के, हर क्षमताओं के बच्चों को हम एक साथ समावेश कर सकें और उनके साथ शिक्षण कार्य कर सकें। इसीलिए आप देख सकते हैं कि एक RPWD अधिनियम 2016 पारित हुआ है। इसमें ये जो RPWD है, ये राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात की जा रही है। जो बच्चे डिसेबल हैं किसी कारण से, जिनको हम कह रहे हैं कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, या हम कहते हैं कि विशेष क्षमता वाले बच्चे, ऐसा हम संबोधित करते हैं, वो कह रहे हैं उन बच्चों को बिना रुकावट, बिना किसी ऐसा एहसास कराए कि नहीं हमारे लिए यहाँ पर रुकावट, इसके आगे मैं नहीं बढ़ सकता हूँ। जैसे भौतिक रूप से देखें, विद्यालय में रैंप बनेगा, वो बच्चा अगर कोई अस्थि विकलांग है तो ठीक है, वो रैंप की सहायता से अपने व्हील चेयर पर कक्षा तक पहुंच जाएगा। अगर वो दृष्टि विकलांग है तो आप देखें अभी बहुत से
ऑफिसेज में बिल्डिंग में बनाया जा रहा वो रास्ता जो गाइडलाइन होता है, बच्चे होते हैं या लोग होते हैं वो छड़ी की मदद से उसको सेंस करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपकी मोबाइल पे देखे जो कीपैड की मोबाइल थी उसमें बीच में जो डिजिट था वहां पर एक छोटा सा प्रोट्रूडेड दिया गया था ताकि उनको उस नंबर को डायल करने में समस्या ना हो। तो हर क्षेत्र में उन बच्चों के लिए जो आरपीडब्ल्यूडी में जो राइट है उन बच्चों का जो डिसेबल है उसकी लेकर के बातचीत की जा रही है और शिक्षा में भी इसको शामिल करने की बात की जा रही है कि उन बच्चों का ध्यान रखा जाए और उनको सारी देखिए वर्तमान में ऑपरेशन कायाकल्प में जो 14 बिंदु हमारे हैं उसमें दिव्यांग शौचालय की बात की जा रही है। वो शौचालय कमोड में वेस्टर्न पैटर्न में, वो इसलिए है कि उन बच्चों की हो सकता है ऐसी समस्या कि वो जमीन नीचे ना बैठ पाए इंडियन स्टाइल में, तो वो वेस्टर्न स्टाइल वाला हम कमोड दे रहे हैं ताकि वो वहां पर अपने आप को वॉशरूम का यूज कंफर्टेबली कर पाए, सफाई के साथ कर पाए। हर बिंदु पर ध्यान देने की बात की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जब हम बच्चों की इस संबंध में उनकी देखभाल कर पा रहे हैं और उनको शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ पा रहे हैं। अगले बिंदु पर चले सर। नेक्स्ट स्लाइड पर चले सर। एक और बात कही जा रही है स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस की बात की जा रही है। देखिए किसी संस्थान का प्रभावी गवर्नेंस तभी हो पाएगा जब हम उससे प्राप्त होने वाले डाटा को सही समय पर पा सकें, उसका सही संश्लेषण और विश्लेषण कर सकें और सही तरीके से जो उसके निष्कर्ष हों उनको हम उनके आधार पर अपना निर्णय ले सकें। यदि मुझे डाटा नहीं मिल रहा है कि हमारा जो हमारे पास संसाधन है उसमें कहाँ कितनी आवश्यकताएं हैं, तब तक हम उस चीज को अब बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी गवर्नेंस की बात की जा रही है। यूडैस आप देख रहे हैं कि हमारे विद्यालयों में है जिसको हम कह रहे हैं यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इसके तहत बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम पूरे भारत के विद्यालयों से कैप्चर करते हैं, एनालाइज करते हैं और जहां जैसी आवश्यकता होती है फिर उसको फिर हम उस हिसाब से फंड को रिलीज करते हैं या अपेक्षा करते हैं कि वहां उस तरीके की चीजों को पूरा किया जाए, चाहे शिक्षकों की संख्या हो चाहे वहां पर भौतिक अवस्थापनाओं की बात हो। पहले इसके लिए अखिल भारतीय शिक्षा जो सर्वेक्षण हुआ था AISES, तो AISES को उन्होंने अब UDI से लिंक कर दिया है। अब हम हर 10 साल में विद्यालय की जो सर्वेक्षण उस कार्य को हमने रोक दिया है, अब हमने सीधे उसको UDI से जोड़ दिया है। तो UDI से जो डाटा मिलता है उसी को हम एनालाइज कर लेते हैं और उसके आधार पर हम उसको मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से अगला आगे चलते हैं। स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन, वो कहने की अब स्कूली शिक्षा के लिए हम मानकों का निर्धारण करेंगे और उसके प्रमाणन की बात करेंगे। तो जब मानक निर्धारण होंगे जैसे कि खेल के मैदान है, वो उसके लिए पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, ये जो चीजें हैं यहाँ होनी चाहिए, कक्षा का आकार है, सारी चीजों को वो देखने की बात कर रहे हैं, करने की बात कर रहे हैं। उच्चतर शिक्षा की यदि बात करें तो वहां पर भी बहुत से ऐसे सजेशन दिए गए हैं कि हम पूरी भारतीय परिदृश्य को बदलने का प्रयास कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से। जैसे उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत अगली स्लाइड में चले सर, वो कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की स्थापना की बात की जा रही है। तो इसके तहत कह रहे हैं कि बहुविषयक विश्वविद्यालय, वो कह रहे हैं कि अब हम ये प्रयास करेंगे कि जो हमारे विश्वविद्यालय हों उनमें जैसे कि विषय की विषय मतलब बहुत ज्यादा विविधता हो, ऐसा ना हो कि किसी दो या चार विषय को लेकर ही कोई विश्वविद्यालय ऑर्गेनाइज हो रहा हो ताकि जो उसकी पूरी क्षमता है वो जो विद्यार्थी है उन तक नहीं पहुंच रही है। तो जब बहुविषयक विश्वविद्यालय होंगे तो अधिक से अधिक डिसिप्लिन के बच्चे वहां पर इनरोल्ड होंगे, नामांकित होंगे और वो एक साथ कई विषयों का अध्ययन अध्यापन भी कर पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के वो गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के अनुभव में वृद्धि के लिए पाठ्यचर्या, शिक्षक शास्त्र, मूल्यांकन और विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सहयोग में आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं वो। तो गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय की स्थापना तो करेंगे लेकिन साथ ही साथ हम जो पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र है, मूल्यांकन जो है बच्चों का, उसमें भी बहुत बड़े फेर बदलाव की बात करेंगे क्योंकि इसके बिना जो वर्तमान की स्थिति है शायद उतना बेहतर रिजल्ट नहीं दे पा रही है। पाठ्यचर्या और जो हमारा पाठ्यक्रम है वो शायद इतना अभी यूजफुल नहीं दिख रहा है कि हमारे बच्चे आगे जाकर के शोध कार्यों में बेहतर तरीके से लग पा रहे हैं या उतना बेहतर परिणाम दे पा रहे हैं। या जब हम उदाहरण के स्वरूप कहें कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बच्चे जा रहे हैं तो जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो उनको जानकारी मिल रही है
और फिर जो व्यावहारिक जीवन में उनसे काम लिया जा रहा है या जो चीजें वो अपना प्रदर्शित कर पा रहे हैं उसमें बहुत अच्छा तालमेल नहीं है, तो उसको लेकर के एक बहुत बड़े बदलाव की बात की जा रही है। अगले स्लाइड पे चले सर, संस्थागत पुनर्गठन और समेकन की भी बात की जा रही है। इसके अंतर वो कह रहे हैं कि उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में बड़े और बहुविषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और नॉलेज हबों में स्थानांतरित करने की बात कर रहे हैं वो, और उच्च शिक्षा के विखंडन की को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो विश्वविद्यालय है इनको नॉलेज हब में कन्वर्ट कर देंगे। जो तक्षशिला और नालंदा का जो कॉन्सेप्ट था जिसके कारण हम पूरे विश्व में अग्रणी थे, उस कॉन्सेप्ट पर वापस आने की बात हो रही है और नॉलेज हब के रूप में होंगे, जहां पर कि हर प्रकार की जानकारियां उस केंद्र के रूप में स्थापित जो विश्वविद्यालय होंगे उनके माध्यम से पूरे समाज में प्रसारित होंगी, प्रचारित होंगी, या जो विद्यार्थी वहां नामांकित होंगे वो उसका लाभ ले पाएंगे। तो इसकी बात की जा रही है संस्थागत पुनर्गठन के अंतर्गत। आगे चले सर, समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर। यहां पर जो समग्रता की बात कर रहे हैं और बहुविषयक शिक्षा की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी कहा था उच्च शिक्षा के अंतर्गत, तो जो मनुष्य की क्षमताएं हैं चाहे वो बौद्धिक हो, सौंदर्यात्मक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, भावनात्मक हो या नैतिक हो, वो एकीकृत तरीके से विकसित करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शायद वर्तमान में अभी तक हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ही हमको ऐसा लग रहा है कि जो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है या बच्चे उसका पूरा पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो वो अब यहाँ पर जो बात की जा रही है कि समग्र रूप से और बहुविषयक शिक्षा हम कैसे बच्चों को दे पाए, बच्चे एक साथ, अभी तक तो हमने स्ट्रीम बना रखा है कि यदि वो आर्ट स्ट्रीम का बच्चा है तो क्योंकि आर्ट्स आर्ट्स में ही डिफाइन किए गए कुछ विषयों को ही पढ़ सकता है, कॉमर्स का है तो वो कॉमर्स के ही डिफाइन किए गए कुछ विषयों को पढ़ सकता है, और यदि विज्ञान का है तो विज्ञान के लिए डिफाइन कुछ विषयों को पढ़ सकता है। यहाँ पर अब नए कॉन्सेप्ट में इस पर बातचीत, वो कह रहे हैं कि आप स्वतंत्र हैं, आपको जो विषय पढ़ना है वो उस विषय को आप ले सकते हैं और जहां तक पढ़ना है आप वहां तक पढ़ सकते हैं, जितने सालों तक आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। यहाँ प्रौढ़ शिक्षा की बात की जा रही है, जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करने की और शिक्षा देने की बातचीत की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा विजन है पूरे भारत के लिए, जो कि हम पूरे विश्व में अपने आप को एक भारत और श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित कर पाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि बौद्धिक क्षमताओं को तो विकास करेंगे, जो हमारे अंदर सौंदर्यात्मक भाव है उनको भी प्रकट करने का हमें अवसर मिलेगा। मैं अपने आप को सामाजिक रूप से भी मजबूत कर पाऊंगा, शारीरिक और भावनात्मक विकास भी होगा और साथ ही साथ नैतिक विकास भी होगा, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे समग्र रूप से। हमारा जो पाठचर्या बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, हमें इस प्रकार से गतिविधियां करने का अवसर बच्चों को देना होगा कि ये सारे पक्षों पर हम उनके साथ शिक्षा लेने देने का कार्य कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से साझा किया जा रहा है। अगले स्लाइड पर चले सर, एक और बात की जा रही है कि सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण और छात्रों का सहयोग, अनुकूलतम वातावरण। देखिए एक बहुत बड़ी बात की गई है, इस पर मैं आपसे एक बात साझा करना चाहूंगा। वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर, और वर्तमान में ज्यादातर स्थितियों में इसको नकारा जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप इसका उदाहरण अभी मैं आपसे साझा करूंगा तो आप कहेंगे यस ऐसा हो रहा है। जैसे कक्षा कक्ष का आकार और उसमें बैठने वाले बच्चों की संख्या, आरटी कहता है कि आप किसी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। उस कक्षा में अगर कक्षा 20x20 का है और आपके पास 30 बच्चे हैं या 25 बच्चे हैं तो आप शायद एक ऐसी स्थिति में उसको बिठा देंगे, उनको समूह छोटे समूह में बिठा पाएंगे, बड़े समूह में बिठा पाएंगे, उनके साथ प्रतिक्रिया कर पाएंगे, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर पाएंगे। जहां तक तो बात समझ में आती है, किंतु जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है और कक्षा कक्ष छोटे होते जाते हैं, तो न वहां पर शिक्षक चाहते हुए भी वो प्रशिक्षित होता है, उसको सारी जानकारी होती है, उसके अंदर सारी भावनाएं होती है, मैं ऐसा भी कर लू, मैं वैसा भी कर लू, लेकिन एक सबसे बड़ा उसके लिए अड़चन ये होता है कि उसके पास उतना जगह ही नहीं होता जहां पर उन बच्चों के साथ वो छोटे समूह में गतिविधियां करा सके। सटी सटी कक्षाएं, एक कक्षा में शिक्षक चिल्ला रहा है, एक बरामदे में कक्षाएं चल रही हैं, उसकी आवाज उस कक्षा तक पहुंच रही है, वहां का शोर इस कक्षा तक आ रहा है, वो वातावरण सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बाधक हो जाता है।
कुछ स्कूल ऐसे शहरों में बने हुए हैं जहां पर एक एक बिल्डिंग में एक कमरे में दो कमरे में पूरा स्कूल संचालित हो रहा है, आसपास शोर मच रहा है, बगल में कोई मंदिर है, कोई अन्य धार्मिक स्थान है, वहां पर लाउड स्पीकर से बड़े बड़े गाने और वो सारा कुछ चल रहा है, अन्य अनेक प्रकार के आप देखेंगे कि इस तरीके का वातावरण सृजन हो जाएगा कि वहां पर बच्चों की जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो बाधित होने लगेगी। जबकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया इतनी स्पेशलिस्ट तरीके से होती है, जब शिक्षक पूरी तैयारी के साथ जब कक्षा कक्ष में प्रवेश करता है तो एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया, आप देखिए डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो उससे उसकी उसकी कितनी बड़ी तैयारी होती है, कितनी चीजों को सिस्टमेटिक लेकर के फिर एक ऑपरेशन को सफल करता है। और जब शिक्षक की बात आती है तो एक शिक्षक 40 मिनट की कक्षाओं में हो सकता है तीन बार उसके साथ व्यवधान उत्पन्न हो जाए, कभी उसका मोबाइल बच जाए, हो सकता है उसको ऑफिशियल कोई सूचना मांगी जा रही, कभी हेडमास्टर साहब बुला लें, कभी हो सकता है जब वो पढ़ा रहा हो तो बीच में दो कच्चे बच्चे उसको प्रवेश करें कि सर मैं आई कम इन, वो अभी उसी दिन सुबह घर से आधे घंटे घंटे लेट आ रहे हो, कुछ अन्य कारण से वहां पर व्यवधान उत्पन्न हो जाए, शिक्षक स्वयं अपने किसी काम से बाहर निकल जाए। जबकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जैसे ही शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रवेश करता है तो उसको एक ऐसा वातावरण चाहिए या उसको ऐसा करना भी चाहिए कि वो जो उसका 45 मिनट का समय है वो जो तैयारी जो उसने चरणबद्ध तरीके से कर रखी है उसके अनुसार वो संचालित करे। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो सीखना प्रभावित हो रहा है, अधिगम भी प्रभावित हो रहा है और समय का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। तो यहां इस पर कार्य करने की बात की जा रही है और हम सबसे अपेक्षा की जा रही है कि हम उसी तरीके से कार्य करें। आप देखें कि जो हमारा मिशन प्रेरणा है इसके तहत जो लेसन प्लान बनाने की बातचीत की जा रही है और किस तरीके से हम कक्षा शिक्षण करें वहां पर इन चीजों को शामिल करते हुए बात किया जा रहा है, और जब इन चीजों का हम अनुपालन करेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप को सफल पाएंगे इस उद्देश्य से कि जो कुछ हम सिखाना चाहते थे कि बच्चों ने सीख लिया या जिस क्षेत्र में हम आगे बच्चों के साथ बढ़ना चाहते थे वहां तक हम बढ़ पाए। आकलन के तरीके वैज्ञानिक करने की बात की जा रही है, आकलन के तरीके वैज्ञानिक, यहाँ पर इस बात को फोकस किया जा रहा है जिसका उन्होंने नाम दिया एडाप्टिव इवैल्यूएशन। अब वो कह रहे हैं कि हम इसको कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन का मतलब अब वो कह रहे हैं कि हम इस तरीके का एक उसके लिए पूरी संस्था बनेगी, वो संस्था कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन जनरेट करेगी, बच्चों के सामने उसको रखा जाएगा, एक प्रश्न बच्चों के सामने आएगा, बच्चे उसका उत्तर देंगे, यदि उसका उत्तर बच्चा दे देता है तो उसे एक ऊपर लेवल की बात होगी, यदि बच्चा उसका उत्तर नहीं दे पाता तो उससे एक नीचे लेवल के प्रश्न पूछा जाएगा और सही तरीके से उसका आकलन किया जाएगा उस मोबाइल के माध्यम से या उस ऑनलाइन या लैपटॉप के माध्यम से कि वास्तव में बच्चे की समझ कहाँ तक विकसित है। ठीक है, उसने जोड़ किया और हासिल उसने गलत कर दिया तो ये तो अगर इस तरीके का आकलन हुआ तो ये पता चला अच्छा ठीक है जोड़ तो जानते हैं लेकिन हासिल का जोड़ नहीं जान पा रहा। तो जब सही स्थिति का पता चलेगा, सही तरीके से बच्चे की क्षमता का आकलन होगा तो शिक्षक फिर उसके आगे काम करेगा। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि हम जो आकलन करेंगे वो वैज्ञानिक तरीके से करेंगे। और ऑनलाइन शिक्षा की बात की जा रही है, आप देख रहे हैं वर्तमान में कोविड में भी अभी जब सारी व्यवस्थाएं ठप हैं तो हम ऑनलाइन माध्यम से कुछ प्रतिशतता में हम सफल हो पा रहे हैं और आने वाले समय में शिक्षा को जब हम ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ पर एक और संकल्पना रखी गई है कि हम भारत के लोग अपने ज्ञान को पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित कर पाएंगे और विश्व के किसी कोने में बैठा हुआ कोई भी छात्र भारत में कार्य करने वाले शिक्षक से या उसके ज्ञान से या उसकी समझ से लाभान्वित हो पाएगा। तो ऑनलाइन उसी को वो कह रहे अंतरराष्ट्रीयकरण, अंतरराष्ट्रीयकरण के माध्यम से हम पूरे विश्व के हर एक छात्र तक अपनी पहुंच बनाएंगे और अपनी बात कर पाएंगे। वहनीय लागत, एक कह रहे कि शिक्षा में एक इस प्रकार का जो उसका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है जिसको हम कहते हैं या उसकी जो फीस की बात की जाती है उच्च शिक्षा में वो इस प्रकार का होगा कि उसका वहन सारे बच्चे कर पाए, उसके लिए वो छात्रवृत्ति देने की बात कर रहे हैं कि छात्रवृत्ति का एक पोर्टल होगा जिसका हम विस्तार करेंगे और हर बच्चे को ऐसे देंगे जो जो बच्चा किसी कारण से छात्रवृत्ति वो धन या फीस देने में असमर्थ है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, जहां पर भी उसकी आवश्यकता है तो उसको हम छात्रवृत्ति देंगे लेकिन उसकी शिक्षा को नहीं रोकेंगे, उसे पूरा अवसर मिलेगा यदि उसके अंदर जिज्ञासा है क्षमता है वो वहां तक पहुंचना चाह रहा है तो पहुंचेगा, उसको रोका नहीं जाएगा किसी भी स्तर पर। तो ये बात कही जा रही है इसके माध्यम से। अगले स्लाइड पे चलते हैं सर। प्रेरित सक्रिय और सक्षम संकाय, वो कह रहे हैं कि अब जब हम आगे उच्च शिक्षा में जब हम फैकल्टीज की बात करेंगे तो हम उनको देखेंगे कि वो मोटिवेटेड हों, एक्टिव हों और कैपेबल हों।
वो तीन चीज बात कर रहे हैं कि कैसे हम उनको एक्टिव करें, कैपेबल बनाएं और उनको मोटिवेट कर पाएं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि ये देखिए ये सब चीजें तभी संभव हो पाएंगी, चाहे वो छोटी कक्षाएं हो, चाहे वो बड़ी कक्षाएं, चाहे उच्च शिक्षा हो, हर जगह वातावरण का और वहां के उपलब्ध संसाधनों का बहुत बड़ा योगदान होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। और यदि वातावरण हम सृजन नहीं कर पाते हैं तो शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करने में असहज महसूस करता है और बच्चे बैठ करके वहां शिक्षा लेने में भी असहज महसूस करते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा है कि हम प्रयास करेंगे कि सभी जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें कम से कम हम स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दें, वहां के जो टॉयलेट्स हों वो एकदम स्वच्छ हों, ऐसा हम प्रयास करेंगे। ब्लैक बोर्ड हो कम से कम एक बेहतर कंडीशन में, ऑफिस उनका वेल फर्निश्ड हो, सारी सुविधाएं हो, वहां से चीजों को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किया जा सके, संपादित किया सके। शिक्षण सामग्री हमारे पास उच्च कोटि की हो, एक हमारे पास रिच लाइब्रेरी हो जहां बच्चे बैठ करके अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सके। एक हमारे पास रिच लैबोरेटरी होनी चाहिए। आप वर्तमान में देख रहे हैं कि लैब की स्थितियां उतनी बेहतर नहीं है जो पहले के बल्कि समय में बेहतर हुआ करती थी। शुरुआती दौर में तो संसाधनों की कमी थी, बीच में एक बार ऐसा आया कि जब हमने देखा कि लैब हमारे विद्यालयों में, जैसे मैं अपनी बात करूं तो बहुत एक समृद्ध लैबोरेटरी थी हमारे पास बायोलॉजी और साइंस की और फिजिक्स और केमिस्ट्री की, लेकिन अब उस क्षेत्र में भी धीरे धीरे कुछ जो तथाकथित प्राइवेट विद्यालय हैं उनके पास तो शायद वो लोग किसी तरीके से, क्योंकि उनके पास धन की साथ कमी नहीं होती या अन्य तरीके की बातें हैं, तो वो अपना मेंटेन कर पा रहे हैं। लेकिन परिषदीय विद्यालयों में अभी हम उस पर जोर तोड़ की करके ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं, स्थान की कमी के कारण और भी कई कारण है जो कि शायद हम अभी अपनी प्रयोगशालाओं को बहुत रिच और रिच करने के साथ साथ बच्चों के लिए सर्व सुलभ कराना और प्रतिदिन उसमें क्रियाकलाप करना या बच्चों को लैब में जाने का अवसर देना, ये अभी हम उसमें साथ हमको भी और प्रयास करने की आवश्यकता है। तो ये उच्च शिक्षा में भी उसी बात को कह रहे हैं कि वहां पर भी जो हमारा लैब हो, लैब का मतलब केवल विज्ञान की लैब की बात नहीं हो रही, अभी तो गणित के लिए लैब की भी स्थापना करने की बात हो रही है, हिंदी का भी, इतिहास, हर सब्जेक्ट के लिए लैब का निर्माण किया जा सकता है जिस निर्माण में बच्चों का योगदान होगा और उससे बच्चे ही लाभान्वित होंगे, शिक्षक का केवल सहयोग होगा। तो इस प्रकार के लैब की स्थापना की बात की जा रही है, सुखद कक्षा वातावरण और परिसर की बात की जा रही है कि हमारा जो एनवायरनमेंट हो क्लासरूम का वो एक कंफर्टेबल हो और पूरा हमारा जो कॉम्प्लेक्स हो यूनिवर्सिटी का वो एक कंफर्टेबल स्थिति में हो। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि उत्कृष्टता और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट और उत्साही नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता होगी इसके लिए। तो वो ऐसे लोगों को चुनेंगे जो कि उत्कृष्ट और उत्साही नेतृत्वकर्ता होंगे और उनको ये अवसर दिया जाएगा, तो ऐसे फैकल्टी को लीड करें या ऐसे यूनिवर्सिटीज को लीड करें। आगे चले सर, उच्च शिक्षा में समता और समावेशन की बात कर रहे हैं। तो समता पर जैसे हम लोगों ने बातचीत किया, तो वो कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा में भी जो बच्चे आए तो वो भी समता के ही कॉन्सेप्ट में हो, उनको भी उसी तरीके का अवसर मिले जो इन बच्चों को ज्यादा आवश्यकता है आगे बढ़ने की, मतलब एक समान लेवल पे आने की, उनको ज्यादा मदद की जाए और जिनको कम मदद की आवश्यकता है उनके साथ उसी तरीके से व्यवहार किया जाए। तो उस तरह की बात वो उच्च शिक्षा में भी शामिल कर रहे हैं और इसके लिए वो कह रहे हैं कि सभी के लिए उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना ये उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। एक तो गुणवत्ता युक्त और उसको और फिर वो उच्चतर शिक्षा, दोनों बातें हैं। हम जो वो कह रहे हैं कि जो नामांकन का जो अनुपात है प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के बीच में, हम उसको बढ़ाएंगे, अधिक से अधिक करने का प्रयास करेंगे जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें और उसमें उनको समता रहे वहां तक पहुंचने का और शिक्षा प्राप्त करने का, उसके लिए वो प्रयास करेंगे, उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। और साथ ही साथ इसके लिए वो ब्रिज कोर्स के निर्माण की बात करें, एक ब्रिज कोर्स होगा जो किसी कारणों से बीच में कोई जिसकी शिक्षा छूट जा रही है और फिर वो उच्च कक्षाओं में जा रहे हैं, तो अगर उसमें वहां कोई उनको अंतर समझ में आ रहा है या बातें नहीं क्लियर हो पा रही हैं तो उसके लिए ब्रिज कोर्स के माध्यम से उनको वहां पे वो जोड़ पाएंगे। आगे चले सर, शिक्षकों की शिक्षा के लिए एक बहुविषयक दृष्टिकोण रखने की बात कर रहे हैं कि उच्च कक्षा में जो शिक्षक अध्यापन कर रहे हैं तो उनका जो दृष्टिकोण होगा वो बहुविषयक होगा, उनको भी इस तरीके से वो ट्रेन करने की बात कर रहे हैं या दक्ष करने की बात कर रहे हैं कि उनका जो विषय ज्ञान होगा वो एक विषय के तो विशेषज्ञ होंगे किंतु बाकी विषयों का भी उनको उसी प्रकार का ज्ञान रखने की आवश्यकता होगी जिससे कि वो अपने मुख्य विषय को जोड़ पाए।
और साथ ही साथ जो भारतीय मूल्य है, भाषा है, ज्ञान है, लोकाचार है और परंपराओं के प्रति जागरूक करने की भी वो बात की जा रही है कि हम उन शिक्षकों को जो उच्च कक्षाओं में कार्य कर रहे हैं वे भी अपनी कक्षाओं में अपने बच्चों के साथ जो भारतीय मूल्य हैं, हमारी भाषाओं की जो विशेषताएं हैं और जो लोकाचार है, परंपरा है, उसके प्रति वो जागरूक रखें और बच्चों में वो विकसित करें, उनके साथ वो नियमित रूप से जुड़े और उनको विकसित करें ताकि वे बड़े बच्चे जब सीधे एक समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना योगदान दें तो वो उन चीजों को अपने अंदर समाहित कर लें। एक और बात की जा रही है कि शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2030 तक जो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम है अब उसको वो लागू करने की बात करें। अभी तो जो चल रहा है वो वर्तमान में चल ही रहा है लेकिन 2030 तक के बाद केवल बस वो कह रहे हैं कि न्यूनतम डिग्री हम रखेंगे कि जो लोग 4 वर्ष तक एकीकृत बीएड कार्यक्रम के अंतर्गत जाए वो अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, बस सिर्फ उन्हीं को मान्यता देंगे। और इसके लिए वो कह रहे हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कि वरिष्ठ और सेवानिवृत्त जो उत्कृष्ट संकाय के जो सदस्य हैं उनको हम जोड़ेंगे, उनसे सलाह लेंगे और उनको हम कहेंगे कि आप इसके जो इसमें जो संशोधन है या समय समय पर जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए आप हमको सलाह दें। आगे चले सर, नेक्स्ट सर। व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकलन के तहत वो कह रहे हैं कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे और अन्य कई व्यवसायों को इस प्रकार से परिचित हो। तो ये एक नया एक आकलन है जिसमें कि कह रहे कक्षा 6 से ही हम वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। वर्तमान में देखा गया, जब ये इसका सर्वे किया गया तो देखा गया कि भारत में केवल 5% लोग ही किसी न किसी प्रकार के जो प्रोफेशनल जो उनकी जो स्किल है वो उससे वो दक्ष हैं और बाकी लोग अनस्किल्ड हैं। डिग्रियां बहुत लोगों के पास हैं, डिग्रियों की कमी नहीं है बट वो स्किल नहीं है। तो वो अब ये बात कही जा रही है जो हमारे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा थी वहां पर भी इस बात को कहा गया था कि हम बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दें, लेकिन वहां पे कक्षा 8 से बात की गई थी और अब कक्षा 6 से बात की जा रही है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि किसी भी समाज के संचालन के लिए आप देखें कि हमारे जीवन में, हमारे दैनिक क्रिया में हजारों हजार लोगों का योगदान होता है जो अपने स्किल के द्वारा हमको मदद करते हैं हमारे जीवन, हमारे दैनिक क्रियाओं को संपादित करने में। अगर मैं सुबह उठ करके किसी साधन से जा रहा हूं तो उसको चलाने वाला एक व्यक्ति है, मैं घर में जो कुछ प्रयोग कर रहा हूं उसको बनाने वाला व्यक्ति है, किसान खेत में अनाज दे रहा तो मैं खा रहा हूं। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो समाज में लाखों लाख लोग हैं जो अपने कार्य को ईमानदारी से कर रहे हैं और उनके करने से ही हमारा जीवन संचालित हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हर बच्चे को ये एहसास कराया जाए कि वो कम से कम एक व्यवसाय में अपना स्किल डेवलप कर ले और बाकी व्यवसाय में भी वो उससे भी परिचित हो, और परिचित नहीं होगा तो उसको उस व्यवसाय के प्रति सम्मान नहीं होगा। एक सफाई कर्मी यदि हमारे घर के सामने 4 दिन झाड़ू न लगाए तो हमारे घर में बीमारी होगी और हम बीमार हो जाएंगे, तो उस व्यक्ति का भी उतना ही योगदान है, वो भी उतनी ईमानदारी से प्रतिदिन सुबह एकदम नियत समय पर हमारे घर के सामने आता है और हमारे सड़क को साफ करके चला जाता है या जहां कूड़ा फेंकते हैं उसको उठा करके ले जाता है। तो क्या उसकी ईमानदारी पे कोई शक है? क्या उसके कार्य में सम्मान नहीं है? तो यह भाव हम अपने बच्चों में लाएं कि कैसे यह संभव है। आप उसके लिए भी सम्मान रखें और आपके लिए भी सम्मान है। आप चाहे जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हो आपके लिए भी सम्मान है तो उसके लिए भी सम्मान है, और हर एक क्षेत्र में हमको इसकी लोना पड़ेगा। हम जब छोटे व्यवसाय का उदाहरण देते हैं और कहते हैं आप उसमें जुड़े तो कुछ लोग उसको हंसी में मजाक में ले लेते हैं। उद्देश्य ये नहीं होता कि छोटे व्यवसाय वाला जिसको हम छोटा शब्द कह रहे हैं कुछ छोटा होता है, छोटा इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। व्यवसाय व्यवसाय है, कार्य कार्य है, ईमानदारी ईमानदारी है। हम किसी भी कार्य में संलग्न है, हम जीवन यापन कर रहे हैं, हम उससे धन अर्जन कर रहे हैं, यदि ईमानदारी से कर रहे हैं तो मेरे लिए वो ईश्वर के काम के बराबर है। ये भाव लाने के लिए हमको इस व्यावसायिक शिक्षा का जो नवीन आकल्पन है वो ये कहता है कि आप अपने जीवन में, वो हो सकता है आपके घर में वो कार्य हो रहा है आप उससे जुड़ जाएं या किसी अन्य व्यवसाय से जुड़ जाएं, आप जुड़े उस कौशल को, स्किल को सीखें और उसके साथ साथ फिर आप बाकी जो भी कार्य के स्किल है उससे भी आप परिचित हो। तो इस बात पर जोर देने की बातचीत की जा रही है। आगे चलें सर, अगला स्लाइड। और इन सब बातों को लेकर के पूरे भारत की जो GDP है उसको बढ़ाने के लिए और उस संकल्पना को साथ में लेकर के चलने के लिए बात की जा रही है कि जो नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन वो स्थापित करने की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि इसके माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अकादमिक अनुसंधान को प्रेरित किया जाएगा।
गुणवत्तापूर्ण, अगर गुणवत्तापूर्ण अकादमिक अनुसंधान होंगे और वो अकादमिक क्षेत्र में लागू होंगे तो उसके बेहतर परिणाम देखेंगे। आप वर्तमान में देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से प्रयोग हो रहे हैं, शायद ये एक्शन रिसर्च का भी पार्ट हो सकता है, और कुछ एक के परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं और कुछ एक ऐसा लग रहा है कि वो शोध कहां तक पहुंचा और वो अनुसंधान कहां तक पहुंचा या कहां विलुप्त हो गया उसका भी नहीं पता चल रहा है। यहां पर जो बात की जा रही है कि जो अनुसंधान होंगे वो गुणवत्तापूर्ण होंगे और उसका जो संश्लेषण विश्लेषण होगा या जो निष्कर्ष निकलेगा अगर वो बेहतर है, अगर गुणवत्तापूर्ण है तो बेहतर होगा ही, और फिर उसको हम अपने शिक्षा के क्षेत्र में लागू करेंगे ताकि जो हमारे मार्गदर्शी सिद्धांत इस पूरे डॉक्यूमेंट में है, जो हमारा पूरा उद्देश्य है पूरे भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाने का और विश्व को एक श्रेष्ठ विश्व बनाने का, उसको हम इसके माध्यम से पूरा कर पाएंगे। तो ये बात कही जा रही है इस गुणवत्तापूर्ण अकादमिक अनुसंधान के माध्यम से। आगे चले सर, उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में एक आमूलचूल परिवर्तन की बातचीत की जा रही है और उद्देश्य क्या है, वो कह रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस। आमूलचूल परिवर्तन के तहत चेक एंड बैलेंस की थ्योरी, हम समय समय पर जो विशेषज्ञ होंगे वो समय समय पर इसको चेक करते रहेंगे और कहीं लगता है कि नहीं, जिस रास्ते पर जिस उद्देश्य के लिए हम आगे बढ़ रहे थे हम वहां नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम रास्ता भटक रहे हैं या उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उसको फिर हम बैलेंस करेंगे अर्थात फिर उसमें हम संशोधन करेंगे। तो ये चेक एंड बैलेंस की थ्योरी चलती रहेगी लगातार, इसमें जो हमारे विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ जो हमारे अग्रज हैं वो लगे रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से निकायों के जो आपसी हितों के टकराव है उसको खत्म करेंगे। वर्तमान में बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जो अलग अलग जो संकायें हैं उनमें आपसी कोई हित होता है या किसी अन्य कारण से उनके अंदर टकराव होता है, तो वो तालमेल बिठाने की बातचीत की जाएगी, चाहे उसके लिए कुछ नियमावली में भी बदलाव किया जाएगा, कार्य संस्कृति में बदलाव किया जाएगा और उसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली जो केंद्र में जो बच्चा है जो छात्र है और जो जो पूरे देश का जो लाभ है या जो हमारा गोल है मेन गोल जो हमने निर्धारित कर रखा है वो प्रभावित होता है या जो हमारे नीति का मूल तत्व था वो प्रभावित होता है, तो उसको खत्म करने की बातचीत की जाएगी। और ठीक इसी प्रकार से शक्तियों के जो अत्यधिक केंद्रीकरण को खत्म करना, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव में देश बसता है और जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है उसकी बात की गई थी, ठीक इसी प्रकार से यहां भी बातचीत की जा रही है कि हम केंद्रीकरण को खत्म करके विकेंद्रीकरण करेंगे और हर छोटी छोटी संस्थाओं को जो शैक्षिक संस्थाएं होंगी उनको हम कुछ अधिकार देंगे। जब उनको अधिकार मिलेगा तो उनको अपने तरीके से सोचने का एक विजन मिलेगा और जब वो विजन मिलेगा और उनके अंदर एक मजबूत नेतृत्व होगा जैसे पिछले स्लाइड में हमने चर्चा किया, तो निश्चित रूप से वो बेहतर करने का प्रयास करेंगे और जब वो बेहतर करेंगे तो अल्टीमेटली या समेकित रूप से पूरे देश में जो शिक्षा में बदलाव होगा वो बेहतर हो पाएगा। तो इस तरीके के सुझावों पर वो कार्य करने की बातचीत कर रहे हैं। अगले स्लाइड पे चले सर, उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व की बात की जा रही है और यह करने के लिए वो कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की स्थापना करेंगे। एक बोर्ड होगा जिसको गवर्न करने के लिए कुछ लोग होंगे और वो लोग क्या करेंगे कि जो उच्चतर शिक्षा संस्थान है उसमें प्रभावी शासन इफेक्टिव जो उसकी रूलिंग है या एडमिनिस्ट्रेशन है और लीडरशिप है उसको वो गवर्न करेंगे, उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे और उनके माध्यम से ये देखा जाएगा कि हमारी जो उच्चतर शिक्षा संस्थाएं हैं वो जो निर्धारित मानक है उनके अनुसार और जो हमारे निर्धारित गोल हैं उसके अनुसार वो आगे बढ़ रहे हैं। आगे चले सर, नेक्स्ट स्लाइड पे। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कह रहे हैं कि विषय विशेष की शिक्षा के साथ ही साथ व्यावहारिक अभ्यास की शिक्षा भी शामिल है। व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप भारत में अभी ये है कि आप देखें चाहे वो डिप्लोमा कोर्स हो चाहे डिग्री कोर्स हो, सैद्धांतिक पक्षों पर हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और उसका जो एप्लीकेशन लेवल पे वहां पे जाकर के फिर हम इंटर्नशिप में जाते हैं और बहुत सारी सारे व्यावसायिक शिक्षा में इंटर्नशिप भी हम शामिल नहीं करते हैं। फिर वो एक रॉ स्टूडेंट के रूप में या रॉ प्रोडक्ट के रूप में वो समाज में इधर उधर विचरता है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम विषय विशेष की जब शिक्षा देंगे तो उसका जो व्यावहारिक अभ्यास है जो इंटर्नशिप है उसको भी हम शामिल करेंगे ताकि जो कुछ आपने सीखा है वो आप उसको करके देख लें ताकि जब आपसे उसकी सेवा ली जाए तो आप फुल्ली स्किल्ड हो या इस स्थिति में हो कि आप अपनी बात अपना योगदान तुरंत दे पाए, आप ऐसी स्थिति में हो। तो इस पर बातचीत की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस पर हम प्रयास करेंगे। अगले स्लाइड पे चले सर, शुरू में मैंने आपसे चर्चा किया था प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना, एक बात इसमें बहुत अच्छी ये शामिल की गई है।
कि अब हम जो बात करेंगे वो जीवन पर्यंत हम हर व्यक्ति को पूरे जीवन तक सीखने सिखाने का अवसर देंगे, और उसके लिए उन्होंने व्यवस्था भी कर रही है, किया है। और वो कह रहे हैं कि उसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि किसी देश की जो साक्षरता दर होती है और उसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी में एक बहुत बड़ा संबंध होता है कि हम हमारे देश में कितने लोग साक्षर हैं। तो जितने अधिक से अधिक लोग साक्षर होंगे हमारे देश में, उतना ही बेहतर हमारा प्रति व्यक्ति जीडीपी होगा। तो हम हर व्यक्ति को पूरे जीवन पर्यंत सीखने का अवसर देंगे, और इसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था की है कि स्कूल के घंटों के बाद और सप्ताहांत में हम स्कूल परिसरों का उपयोग करेंगे, और प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से हम उनको जोड़ेंगे सारे लोगों को जो सीखना चाह रहे हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित चीजें सीखना चाह रहे हैं या किसी क्षेत्र विशेष में जाना चाह रहे हैं, कोई कुटीर उद्योग में शामिल होना चाह रहे हैं, किसी स्किल को लेकर के वो अपना व्यवसाय स्थापित करना चाह रहे हैं। मैं हर तरह की जानकारी उनको दूंगा, शिक्षा दूंगा, और यह पूरे जीवन पर्यंत चलती रहेगी। तो इस पर वो बातचीत कर रहे हैं। आगे चले सर, नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, और भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन, शुरू में इस पर चर्चा हो चुकी है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसा हम जानें, शिक्षा या शिक्षित होना या व्यवहार में परिवर्तन, और अल्टीमेटली ये सब किसके लिए? अपने देश के लिए, मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के लिए, या हम कह रहे हैं पूरे जीव जगत के लिए। तो जब इसकी बात आएगी तो अतुल्य भारत सबसे पहले देश, और अतुल्य क्यों? क्योंकि इस जैसा पूरे विश्व में कोई नहीं है। हर देश की अपनी एक राष्ट्रीय भाषा होती है, और भारत के पास संविधान के अनुसार 22 भाषाएं हैं, हमने 22 भाषाओं को मान्यता दे रखा है, और 1500 के लगभग हमारे पास डायलेक्ट्स हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं। इतनी बड़ी विविधता हमारे पास है, हम स्टेट ऑफ स्टेट्स हैं, राज्यों के राज्य भारत, सबकी अपनी खान पान, अपनी संस्कृति, अपना रहन सहन, इतनी विविधता हमारे पास है, और उसके बावजूद हम एक हैं और एक रहेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति एक जैसी है, हम सनातन धर्म वाले लोग हैं। तो इस बात को शामिल करते हुए कह रहे हैं कि हम अतुल्य हैं, और ये अतुल्य कब तक बने रहेंगे? अनंत काल तक बने रहेंगे। और कैसे बने रहेंगे? तो शिक्षा के माध्यम से बने रहेंगे। और ये शिक्षा का माध्यम कौन प्रसारित और प्रचारित करेगा? शिक्षक करेगा। कैसे करेगा? विषय वस्तु से करेगा, अपने पाठ्यक्रम से करेगा, अपने सामग्री, अपनी जो उसकी दिनचर्या उससे करेगा, अपने आप को वो उस तरीके से प्रस्तुत करेगा, अपना आदर्श प्रस्तुत करेगा, जिसके माध्यम से हम इसका लगातार संवर्धन करते रहेंगे। और ये तभी संभव है जब हम इन चीजों को जाने, इसमें विश्वास रखें, हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, और उसके माध्यम से हम इन चीजों को भारतीय समाज में प्रचारित और प्रसारित करें, जिसको देखने के लिए, जिस पर विचार करने के लिए, जिसको पढ़ने के लिए और जिस पर शोध करने के लिए पूरे विश्व के लोग लालायित रहते हैं और लालायित रहेंगे कि भारत में ऐसा क्या है कि यहाँ की जो विरासत है वो पूरे विश्व में वैसी कहीं नहीं है। तो इसको लेकर के वो कह रहे हैं कि कला जो, और उन्होंने कहा कि कला जो है वो संस्कृति के प्रसार का प्रमुख माध्यम होता है। तो कला का जो प्रदर्शन है, चाहे वो गीत हो, संगीत हो, ड्राइंग हो, या हम किसी अन्य, हम मूर्ति मूर्तिकार के रूप में अपनी चीजों को प्रस्तुत कर पा रहे हैं, या हम मौखिक रूप से चीजों को व्यक्त कर पा रहे हैं, किसी भी कला में हम माहिर हैं, हम उस कला से अपने संस्कृति को प्रचार प्रसार उसका करें, और उसमें हम उसको प्रमुख माध्यम के रूप में प्रयोग करें। तो इसको शामिल करने की बात की जा रही है इस आने वाली शिक्षा व्यवस्था में जो अब हम लागू करेंगे। अगली स्लाइड पे चले सर। प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण, तो इन सबके लिए ये जो सारी चीजें हम कह रहे हैं और इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए और जो हमारी संकल्पनाएं हैं इसको सफल होता हुआ देखने के लिए, हमको ये जरूरी है कि हम जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका उपयोग करें और उनको इंटीग्रेट करें, दोनों चीजों की आवश्यकता है। तो डिजिटल इंडिया अभियान इसके तहत आप देख रहे हैं कि चल रहा है भारत में, और शिक्षा अधिगम और आकलन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करेंगे। आप देखें कि वर्तमान में ऑनलाइन टीचिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, मैं अभी आपसे बात कर पा रहा हूँ, इतने लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ, ऑनलाइन टीचिंग है। मैं डिजिटल इंडिया के तहत जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है मैं उसको यूज कर पा रहा हूँ। आप देखें शिक्षकों के या सारे अधिकारीगण के जो मीटिंग्स हो रहे हैं वो गूगल मीट से हो रहा है, कितने आसानी से हम इस विपत्ति के समय में हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, अपनी बातों को साझा कर पा रहे हैं। हमारा जीवन नहीं रुका हुआ है, हमारे कार्य नहीं रुके हुए हैं,
हमारी प्रगति नहीं रुकी हुई है, हम हर तरह से सफल हैं क्योंकि हमने प्रौद्योगिकी को अपना लिया है और ये मेरे जीवन का एक बहुत अमुख मतलब कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट अंग हो गया है। तो आने वाले समय में वो कह रहे हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी हम जो टेक्नोलॉजीज है उनको यूज करेंगे और उनको हम इंटीग्रेट करेंगे, सभी चीजों को एक साथ जोड़ेंगे। दीक्षा पोर्टल है, 4000 से अधिक वीडियोस उस पर उपलब्ध हैं, भिन्न भिन्न विषयों की सामग्री उस पर उपलब्ध है। कोई भी शिक्षक, कोई भी छात्र, कोई भी अभिभावक कभी भी किसी भी समय कहीं भी बैठ करके उसका लाभ ले सकता है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी और उसका लाभ बच्चों और शिक्षकों तक और समाज तक पहुंचाने की बातचीत की जा रही है और उसकी संकल्पना की जा रही है कि आने वाले समय में हम इस पर आगे कार्य करेंगे। आगे चलें सर। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा की बात की जा रही है, इसी पर मैं बात कर रहा था आपके साथ कि ये वर्तमान समाज की आवश्यकता है, इसलिए इसको हमको करना ही होगा, जानना ही होगा और इसमें आगे बढ़ना ही होगा। और ऐसा करके मैं सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व के बच्चों के साथ या पूरे विश्व के समाज के साथ हम जुड़ पाएंगे। आगे चले सर। और उच्च शिक्षा के संबंध में एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो हमारा है उसके सशक्तिकरण की बात की जा रही है कि हम उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे और एम्पावर करेंगे उसको। और उससे होगा क्या कि शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास से जुड़े मुद्दों पर व्यापक परामर्श और समीक्षा के लिए हम उसको ऐसा करेंगे जिससे कि हमको वो दोनों तरीके से सपोर्ट करेगा, शैक्षिक सपोर्ट भी करेगा और जो हमारी जो सांस्कृतिक विकास है उन मुद्दों जुड़ों से। जैसे कि आप देखें भारत में एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक CCRT है, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। तो वो करते क्या है कि जो भारतीय संस्कृति है इसको वो प्रमोट करते हैं, इसके लिए वो शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि जो हम अनेक में एक हैं या जो हम इतने अतुल्य हैं, हम हमारे अंदर इतनी जो भिन्नताएं हैं इनको आप बच्चों तक पहुंचाएं और उनको गर्व का अनुभव कराएं कि हम भारत में के नागरिक हैं, हम भारत में पैदा हुए हैं, हम इस धरती पर, इस पावन धरती पर हैं और हम इसके नागरिक हैं। तो ये हम हमारी बहुत बड़ी विशेषता है और इसको सिर्फ हमको इसको जानना ही नहीं है, इसको व्यावहारिक रूप में हमको अपने जीवन में लाना है, इसके अंतर्गत हमको अपने आप को ढालना है और जीवन पर्यंत इसका पालन करना है और उतना ही नहीं आने वाली पीढ़ी को इसको ट्रांसफर भी करना है ताकि अनंत काल तक अतुल्य भारत बना रहे, किसी की इससे तुलना न की जा सके। तो इसको लेकर के जो मंत्रालय, जो हमारा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, इसको और एम्पावर करने की बातचीत की जा रही है और वो शैक्षिक और सांस्कृतिक दोनों पक्षों को देखेंगे और उस पर कार्य करेंगे। आगे चले सर। आगे एक बातचीत की जा रही है कि वित्त पोषण सभी के लिए वहनी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो जो वित्त का पोषण कैसे, जब इतनी बड़ी हमने स्ट्रक्चर को बना लिया और कह दिया कि हम इतने बड़े बदलाव करने जा रहे हैं पूरे भारत के लिए और विश्व को संदर्भ में रखते हुए, तो फिर इसके लिए धन कहां से आएगा। तो इस पर वो कह रहे हैं कि ठीक है हम एक प्रयास करेंगे, इसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर प्रयास करेंगे और लक्ष्य यह है कि जो हमारा जो आय है, जो हमारा जो पूरी GDP है उसका जो 6% है कम से कम वो शिक्षा के क्षेत्र में उसको हम शिक्षा के लिए लगाएं, क्योंकि जब तक हम उसके लिए धन की व्यवस्था नहीं करेंगे और इन सारे बदलाव की, जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बदलाव और जो आवश्यक जो हमको बदलाव की आवश्यकता है उस पर हम कार्य न करें, उस पर धन की अगर आवश्यकता है तो उसको हम ना खर्च करें तो फिर हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये अपेक्षा की जा रही है, वर्तमान में 4 point something हम इस पर खर्च कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं इसको 6% का लक्ष्य होगा और जिसके लिए केंद्र और राज्य, चूंकि ये समर्थी सूची में है शिक्षा का विषय, तो राज्य से हम अपेक्षा कर सकते हैं, उनसे सहयोग मांग सकते हैं, हम उनको बाध्य नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे संविधान की समर्थी सूची में राज्य का होता, राज्य शिक्षा का विषय राज्य के लिए समर्थी सूची में है, हम सभी जानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, उनसे अपेक्षा करेंगे और हम दोनों लोग मिलकर कार्य करेंगे केंद्र और राज्य और हम सफल होंगे और इस सारे उद्देश्यों को हम पूरा कर पाएंगे। अगले स्लाइड पे चले सर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो बातें अभी तक मैंने आपके साथ साझा किया ये कैसे इसका कार्यान्वयन होगा। चीजों को तो हमने जान लिया कि ये सब बदलाव की बात की जा रही है, अब ये डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया है, अब इसका क्रियान्वयन कैसे होगा। तो उसके लिए वो कुछ चरणबद्ध तरीके से अपनी बात करें, अपेक्षा करते हैं हम शिक्षकों से और सारे विभाग के लोगों से कि जो नीति की भावना है और उसका जो प्रयोजन है उससे हम पहले अवगत हो जाएं। जैसे मैंने जो आपसे बहुत तेजी से और जल्दी जल्दी जो बातें की है, जब आप इस डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आपको विस्तार से सारी चीजें मिलेंगी, उनके जो क्या भावना है और क्या प्रयोजन है, वो किस तरीके से चाहते हैं, उनका क्या उद्देश्य है,
कुछ बातों को मैंने आपके सामने रखा, इतने समय कम था, फिर भी 1.5 घंटे होने जा रहे हैं। हमने एक प्रयास किया कि जो पूरे जो डॉक्यूमेंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, उसकी क्या भावना है, किस प्रयोजन से उसको लाने का बात किया जा रहा है, उसको मैंने आपके सामने रखा। तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले कार्यान्वयन में हम इसको जाने समझ ले, एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर लें और फिर नीतिगत पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना। तो इसमें जो पॉलिसी मैटर्स हैं, जो नीतिगत जो फैसले हैं, ये जो बदलाव करने हैं, उनको हम चरणबद्ध स्टेप बाय स्टेप उसको हम बदलाव करेंगे दूसरे चरण में, और तीसरे में कह रहे हैं कि प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित, और फिर हम देखें कि प्रियोरिटी क्या है, किसको सबसे पहले हमको लागू करना है। जैसे कि ECCE का जो कॉन्सेप्ट है, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन जो है, तो वहां पर वो कह रहे हैं कि ये शायद अभी तुरंत की आवश्यकता है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र हमारे कार्यरत हैं, उनको रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए और वहां पर 5 साल के लिए बच्चों को प्री प्राइमरी और नर्सरी और LKG UKG 1 और 2 के लिए उनको तैयार कर दिया जाए और वहां पर कक्षाएं संचालित कर दी जाए। तो वो प्रायोरिटी में लेने की बात करें, तो ऐसे करें कि वो प्राथमिकताएं हम केंद्र और राज्य मिलकर तय कर लें और फिर किस तरीके से लागू करना उस पर बातचीत करें। क्रियान्वयन की व्यापकता, जब हम क्रियान्वयन करें इन चीजों को, तो उसको एक लार्जर स्केल पर करें ताकि उसका प्रभाव दिखाई दे। फिर कह रहे हैं अगले चरण में केंद्र और राज्य के बीच सावधानी पूर्वक एक योजना निर्माण हो और संयुक्त निगरानी हो। तो जो प्लानिंग हो वो केंद्र और राज्य के बीच उसकी प्लानिंग हो, बहुत सावधानी पूर्वक उसको किया जाए, उसके ये देखते हुए कि इसके कोई इल इफेक्ट ना आए, एक बेहतर परिणाम मिले, इसको ध्यान में रखते हुए उसको योजना को क्रियान्वित किया जाए। और एक ज्वाइंट उसका रिव्यू हो, उसकी उसका जो ऑब्जर्वेशन है, जो उसकी मॉनिटरिंग है, वो भी ज्वाइंट रूप से हो, ताकि जो भी उसके परिणाम आए उनसे दोनों अवगत हो और अगर कोई करेक्शन की बात हो तो वो भी दोनों मिलकर कर पाए। अगले स्टेप पर वो कह रहे हैं कि मानव और संरचनागत और वित्तीय संसाधन को समय से जुटाना। देखिए तीन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से मानव संसाधन चाहिए, शिक्षकों की भर्ती है, खाली पद है, और भी जो बड़े उच्च शिक्षण संस्थान है वहां पर भी जो कार्मिकों की जो कमियां है उनको पूरा, विषय विशेषज्ञों की बात हो रही थी कि विषयवार जो शिक्षकों की संख्या वो पर्याप्त करेंगे, तो ये सारी जो चीजें हैं वो कह रहे हैं उन पर भी हमको उनको जुटाना पड़ेगा समय से, तभी हम उस परिणाम में बताओ की बात कर सकते हैं। और संरचनात्मक जो संरचनागत है, जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हमको देखना पड़ेगा, जुटाना पड़ेगा जो चीजें आवश्यक है। और वित्तीय संसाधन, जो हम GDP की बात कर रहे थे 6% की, तो वो भी बहुत जरूरी है कि हम उस धन को उपलब्ध कराएं और उसको फिर खर्च करें और इस बदलाव की बात हम आगे लेके चलें। और उसके साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जितने भी हम ये प्रयास कर रहे हैं, जो विविध उपाय कर रहे हैं, उनके बीच परस्पर जुड़ाव हो और उनका विश्लेषण किया जाए समय समय पर और समीक्षा की जाए, केवल लागू करके उसको न छोड़ दिया जाए। क्योंकि बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं जब उनको हम केवल एग्जीक्यूट कर देते हैं और उसका फॉलोअप नहीं होता, तो बेहतर उसके परिणाम आते हैं या नहीं आते हमको ये भी नहीं पता लग पाता, और अगर बेहतर आते हैं ना पता होने की वजह से शायद उसको हम आगे एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाते हैं। तो परिणाम बेहतर आना और उससे सबको परिचित कराना ये बहुत जरूरी होता है, और ये तभी संभव है जब उसका हम पॉजिटिव फीडबैक लेते रहें, और वो फीडबैक जब हमको मिलता है और ऐसा लगता है कि नहीं इसका परिणाम बेहतर आ रहा है, तो उसको फिर हम लार्जर स्केल पर लागू करते हैं। आप देखिए एक्शन रिसर्च में भी हम ऐसे करते हैं, छोटे स्केल पर करते हैं, किसी विशिष्ट परिस्थितियों में करते हैं और फिर अपेक्षा करते हैं कि ये जनरलाइज हो जाए या लार्जर स्केल पर ये लागू हो जाए। तो उस तरह के क्रियान्वयन की बात ये कर रहे हैं अपने पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, और संभवतः इसी के साथ हमारी बात पूरी हुई। मैं प्रिंस जी को हैंड ओवर कर रहा हूँ। प्रिंस सर, इसको सत्र को आगे ले चले। यस सर, धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से नई शिक्षा नीति के सभी बिंदुओं को हमारे ऑनलाइन व्यूअर के सामने रखा, उसके लिए मैं सभी ऑनलाइन व्यूअर की तरफ से आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, हमारे कुछ ऑनलाइन व्यूअर्स के कमेंट्स आए हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप उनके आंसर दे दें। ठीक है सर, तो एक व्यूअर्स का सर कमेंट आया हुआ है कि वो ये जानना चाहते हैं सर, वो ये जानना चाहते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स कि इसमें क्या है, आपके नेटिव लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और वोकेशनल एजुकेशन को भी शामिल किया गया है और बोर्ड एग्जाम जैसे बहुत सारे को डायल्यूट भी किया गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सारे जो चेंजेस हुए हुए ये हमारी स्कूली शिक्षा को कैसे प्रभावित करेगी सर। ठीक है, हाँ देखिए, जो जैसा आपने कहा कि जो नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज, देखिए हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं तो एक भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, और ये स्पष्ट है कि
जो भाषा का जो प्रयोग होता है वो तीन उद्देश्यों के लिए होता है मुख्य रूप से, एक होता है अधिगम, एक होता है चिंतन और तीसरा होता है संप्रेषण। किसी भी भाषा का प्रयोग अधिगम, चिंतन और संप्रेषण के लिए किया जाता है। मैं बेशक अगर आप मुझे कहें कि आप अंग्रेजी में अपनी बातों को कहें, मैं कहूंगा अंग्रेजी में, लेकिन मेरे मस्तिष्क में पहले ट्रांसलेशन होगा, सोचूंगा मैं उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में मैं सोचता हूँ या जो मेरी मातृभाषा होगी, और फिर उसको मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके आपको कहूंगा। छोटे बच्चे जब वो विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व अपने घर में होते हैं तो एक भाषा का वो प्रयोग करते हैं जो उनका नेटिव लैंग्वेज होता है, जो उनकी मातृभाषा होती है, और वो बड़े उसमें समृद्ध होते हैं, उसमें उनको व्याकरण का भी पूरा ज्ञान होता है और वो पूरे वाक्य भी बोलते हैं और शुद्धता के साथ बोलते हैं। और जैसे ही वो विद्यालय आते हैं, अचानक यदि उनसे कहा जाए तुम अंग्रेजी में बोलो, हिंदी में बोलोगे तो 50 रुपए फाइन लगेगा, तो उसको लगता है कि मैं एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ जहां मेरी हर गलती को चेक किया जा रहा है, और वहीं से वो रिजेक्शन महसूस करता है। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं मानक हिंदी में बोलने के लिए कहूँ, अगर वो कहता है कि ये छेरी है और मैं कहूँ छेरी नहीं बकरी है, वो कहेंगे खोरी, हमने कहा खोरी नहीं कटोरी है, तो वो तुरंत वो रिजेक्शन महसूस करता है कि मेरी हर बात को गलत साबित किया जा रहा है। और मुझे उसको शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ना है, मुझे उसके साथ अभी आगे के पूरे जो औपचारिक शिक्षा का जो कार्य है, कई वर्षों तक जो चलेगा, बहुत लंबे वर्षों तक चलेगा, उसके लिए उसको मुझे तैयार करना है। तो अगर मैं नेटिव लैंग्वेज में या ये उसको एहसास न कराऊं कि जो कुछ आप जानते हैं वो बहुत अच्छा जानते हैं, आपकी समझ बहुत अच्छी है, आपके अनुभव में सुनना चाहता हूं, आपकी बातों को मैं सुनना चाहता हूं और आपकी बात में मैं जवाब देना चाहता हूं, आप में हमारे में कोई अंतर नहीं है, आप अपनी बात को स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं, आप यहाँ पर एकदम स्वतंत्र हैं, जब तक इस तरह का मैं भाव उत्पन्न नहीं करूंगा वो मेरे साथ उतने लंबे समय तक जुड़ने को तैयार ही नहीं होगा, न वो मेरी बात सुनने को तैयार होगा, न मेरे शब्द उसको समझ में आएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बच्चों के साथ शुरुआती दौर में उसके नेटिव लैंग्वेज में ही बात करें, और इसीलिए इस बात पर शुरू से ही जोर दिया जा रहा है, और इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है इसको और विशेष बल दिया गया है। और ये बात सिर्फ वहीं तक नहीं है, आप उस हम और आप यदि भोजपुरी, अगर मान लीजिए हम क्षेत्र में रहते हैं और भोजपुरी हम बोलना धीरे धीरे बंद कर दिया, अचानक मुझसे कोई कहे कि आप भोजपुरी में अपने मंच में खड़े होकर के 10 मिनट बात कर लें, तो मेरे पास शब्द नहीं होंगे, मैं अपनी बात को कह नहीं पाऊंगा और ये धीरे धीरे पूरी संस्कृति खत्म हो जाएगी, ये भाषाएं पृथ्वी से चली जाएंगी। आप देखिए अंडमान निकोबार में एक द्वीप है, उस द्वीप पर निकोबार से आगे द्वीप है, वहां पर कुल 50 की जनसंख्या है, उनकी अपनी संस्कृति, उनकी अपनी भाषा है, उस पूरी पृथ्वी पर उस भाषा को बोलने वाले केवल 50 लोग बचे हैं, पूरा भारत सरकार लगा हुआ कि उस भाषा को कैसे हम संरक्षित करें। तो ये स्थिति आने वाले समय में हमारे साथ भी हो जाएगी यदि हम अपने नेटिव लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे भारतीय समाज में, क्योंकि उन्हीं के कारण हम अतुल्य हैं। आज मैं कह रहा हूँ कि 1500 बोलियां हमारे पास हैं लगभग, तो हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि वो मौजूद हैं। ठीक है सर, तो संभवतः इस प्रश्न का उत्तर मैं जुड़ पाया हूँ। यस सर, धन्यवाद सर। एक और विवाद से कमेंट आए हुए हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि जो बुनियादी शिक्षा है उसमें मुख्य रूप से गणित और हिंदी भाषा को शामिल किया जा रहा है। ठीक है सर, तो इन भाषाओं को जो हमने बुनियादी शिक्षा में शामिल कर रहे हैं वो किस प्रकार के ये भाषाएं हमारी जो स्कूली शिक्षा है उनको किस प्रकार से सर बेहतर बना सकते हैं सर? जहां तक मैं आपका प्रश्न सुन पाया हूँ, गणित और जो भाषा उसको बुनियादी स्तर पर जोड़ा गया है। यस सर, ये कमेंट्स है, उन्होंने ये जानना चाह रहे हैं कि बुनियादी शिक्षा में गणित और भाषा हिंदी भाषा को शामिल किया गया है, तो ये हमारी स्कूली शिक्षा को किस प्रकार से बेहतर बना सकती है, ये जानना चाहते हैं इन भाषाओं को। हाँ ठीक, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने किया है। देखिए शुरुआत में मैंने इस पर चर्चा किया था कि भाषा, किसी भी विषय को सीखने के लिए भाषा के कोई माध्यम चाहिए। जैसे कह रहे हैं मैं बोल रहा हूँ रात तक पहुंच रहा है, तो उसका माध्यम क्या? ध्वनि है। हम अगर उसमें स्पेस में चले जाएं तो शायद जो मेरा वेव्स है वो प्रोपोगेट नहीं हो पाएगा, उस तरीके से हम समझ लें विज्ञान की भाषा में। तो एक माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो संवहन हो, चाहे विकरण हो, चाहे संगन, मतलब वो कंडक्शन हो या रेडिएशन हो, कोई एक मीडियम चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से विचारों को व्यक्त करने के लिए, चाहे मौखिक या लिखित रूप से संवाद करने के लिए हमको एक भाषा की आवश्यकता होती है, हम बिना भाषा के उसको संवाद नहीं कर पाते। तो स्कूली शिक्षा में जो हम विषय ज्ञान दे रहे हैं, चाहे मौखिक रूप से चाहे लिखित रूप से, चाहे हम साहित्य उपलब्ध करा रहे हैं चाहे हम उसको बता के बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए तो हमको भाषा चाहिए, और वो भाषा जब तक समृद्ध नहीं होगी मैं अपनी बात कह ही नहीं पाऊंगा, और बच्चा जब अपनी बात कहना चाहेगा तो उसके लिए भी उस भाषा का प्रयोग करना होगा। शब्दों का प्रयोग,
शब्दावलियों का प्रयोग यदि बेहतर है तो वो बेहतर तरीके से अपनी बात कह पाएगा, नहीं है तो नहीं कह पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे कहते हैं ना कि इफ यू डोंट डू दिस वर्क एक पुनिटिव एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू, ये शब्द एक बार मेरे एक साथी के साथ उसके बॉस ने इस्तेमाल किया तो वो अचानक उनकी तरफ देखता रहा, उसको समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। बाद में जब उसने डिक्शनरी देखी और उसमें लिखा था पुनिटिव का मतलब एन एक्शन विच विल बी टेकन अगेंस्ट यू विच विल हैम्पर योर करियर, तो अगले दिन उसे तुरंत काम को कर दिया क्योंकि उसको पुनिटिव का समझ में आ गया कि ये उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है ये एक्शन विल बी टेकन, ए पुनिटिव एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। तो शब्दों का इतना महत्व होता है, इतना पावर होता है कि वो अपनी बातों को सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है स्कूली शिक्षा में, और गणित, तो गणित तो जैसा हम लोगों ने चर्चा किया कि जीवन के सारे क्षेत्रों में गणित शामिल है। हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो वहां भी गणित, वहां भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम केमिस्ट्री कर रहे हैं पढ़ रहे हैं तो वहां भी हमको फार्मूलेज हैं, वहां भी हम देख रहे हैं कौन सा मतलब जो रेडिकल्स हैं हम कितने रेशियो में मिला रहे हैं और फिर वो क्या रिएक्शन हो रहा है और फिर किस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, वहां भी हम मैथ यूज कर रहे हैं। हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो वहां भी हम जिन स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, जिन काल को देख रहे हैं, जिस समय की बात कर रहे हैं वो भी मैथमेटिक्स में है। सामाजिक विषय पढ़ रहे हैं तो वहां भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। तो कहने का मतलब कि मैथमेटिक्स और हिंदी को यदि हम शिक्षा से हम अलग कर दें स्कूली शिक्षा से, तो फिर शायद ना कुछ हम समझ पाए, ना कुछ हम पढ़ पाए, ना हम अपनी बात को किसी के साथ कन्विंस कर पाएंगे या संप्रेषित कर पाएंगे। इसलिए इन दोनों चीजों को फाउंडेशनल लर्निंग में शामिल किया गया है। धन्यवाद। तो धन्यवाद अखिलेश सर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारा आज का टाइम भी ओवर हो गया है, तो मैं अखिलेश सर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विभिन्न बिंदुओं को हमारे सामने रखा और हमें समझाया, और इसके साथ ही उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके और सुंदर तरीके से सारे हमारे जो ऑडियंस थे उनके क्वेश्चंस के आंसर भी दिए। तो अखिलेश्वर सर, मैं आपको पूरे डायट परिवार की ओर से और सभी ऑनलाइन व्यूअर्स की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सभी ऑनलाइन जो व्यूअर्स जो अभी हमें देख रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और कल इसी टाइम एक नए थीम के साथ इसी पोर्ट पे इसी वेबिनार में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रिंस जी, आपने पूरा सहयोग किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी आपकी आपका कोऑर्डिनेशन था, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और जितने व्यूवर्स यहाँ जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आप सबको कोटि धन्यवाद और साधुवाद। धन्यवाद।